दो। हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, दो सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से दो जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैंने आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है पता है? पिछले 15 सालों से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अपना नेचर बहुत ही बदल गया, ऐसा लोग बोलते हैं। क्लाइमेट बदल बदल कर आने की वजह से ही भूकंप, सुनामी, लोगों की मौत और चीजों के नुकसान की वजह से हम बहुत प्रभावित हुए हैं। अब आने वाले समय में क्या होगा, इसी डर में हम जी रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, नेचर बदलने की वजह से इंसानों के मानसिक तनाव भी बदल रहे हैं। इंसान की आयु हर दिन छोटी होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंसानों की जिंदगी पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से कुदरत पर इसका बहुत असर हुआ है, और मेरा मानना यह है कि क्यों ना हम उसी टेक्नोलॉजी के जरिए कुदरत को बचाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम ऐसा कर सकते हैं। यह सिर्फ मेरा आइडिया है, मुझे पता नहीं कि यह संभव है कि नहीं, लेकिन आप लोगों से हो सकता है, मुझे विश्वास है। नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम सबको मिलकर कुछ करना चाहिए, और इस काम के लिए मैंने रखा है 5,000 करोड़ और 3 महीने का टाइम। प्रपोजल डिटेल्स आप सभी के ईमेल आईडी पर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। द बेस्ट प्रेजेंटेशन नेक्स्ट वीक शैल बी अवार्डेड द प्रोजेक्ट। गुड लक फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे इसलिए मीटिंग करना चाहता था क्योंकि कल सुबह सीसी की मीटिंग में उस 5000 करोड़ प्रोजेक्ट के बारे में वर्ल्ड में रहने वाली सारी आईटी कंपनी हमें फॉलो कर रही है। हम में से कौन इस प्रोजेक्ट को करने वाला है वो ये देख रहे हैं। सो आई हैव ए प्लान। उस 500 करोड़ प्रोजेक्ट को अपनी चारों कंपनी शेयर करके वर्क करेंगी तो आवर स्टेटस, वैल्यूज, शेयर्स, एवरीथिंग रिमेंस द सेम। गुड आइडिया, मिलकर करते हैं। तुम लोग क्या कहते हो? इंटरेस्टिंग। आई एम नॉट ओके विद दिस। आज तक हमने एक भी प्रोजेक्ट शेयर नहीं किया, इसी वजह से हम सबकी आज ये पोजीशन है और हमारी स्टेटस है। सो मेरे नजरिए से ये हमें जिस तरीके से प्रूफ करना है उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। एक साल पहले हम 50th पोजीशन पर थे और आज 4th पे पहुंच गए। कैसे? प्योरली ऑन टीम वर्क। हमें टीम के ऊपर जो विश्वास है उसे इस प्रोजेक्ट पर अप्लाई करने के बारे में ट्राई करूंगा। मिस्टर सिवनेशन, आपको ये लगता है कि आप ये प्रोजेक्ट अकेले कर सकते हैं? गुड लक टू यू फ्रेंड्स। छोड़ो डैनी, जाने दो उसे। इस तरह के हमने कितने लोगों को देखा है। किसी को अकेले नहीं छोड़ सकते। वो बिना किसी सपोर्ट के वो हर जगह पे जीतता ही जा रहा है। चिल, वो जीतना नहीं चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। हमें जीतना ही है, एंड दिस इज द राइट टाइम टू अचीव आवर गोल। डू यू ऑल नो माई गोल इज वॉन्टिंग टू बी नंबर 1। सो गाइज, हमारी कंपनी के सारे ब्रांच में से बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स, सभी लोगों को शॉर्टलिस्ट करो। उन्हीं लोगों में से सेलेक्ट करके इस प्रोजेक्ट को हिट करो। सर, अपनी कंपनी की चेन्नई ब्रांच में रहने वाले जितने भी इंजीनियर्स हैं सबके सब मास्टर ब्रेन हैं सर। ये अपॉर्चुनिटी उनको देकर देखते हैं सर। सर,
सही कहा सर, दे विल डेफिनेटली डू इट। यस सर, हो सकता है वो लोग कर भी खाएं। हे गणपति बापा, ये प्रोजेक्ट अच्छी तरह से सक्सेस होना चाहिए। सॉरी अनवांटेड कॉल। नमस्कार बॉस। भाई जरा देखना, यही है क्या? ये नहीं है, ये नहीं, जाने दे इसको, जाने दे यार, मुझे नहीं पता। अरे भाई साहब जरा साइड में खड़े रहो ना प्लीज। ऐसा क्या? ए, यही है क्या? इसे देख के लग रहा है ये सॉफ्टवेयर कंपनी में काम नहीं करता है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी गांव से आया। बैग लटका के कुछ अलग ही लग रहा है, हो सकता है यही हो। ये बैग लटका के इतनी दाढ़ी मूछ बढ़ा के, ये कोई गाँव वाला ही है? चल जा रहे, तेरे जैसे लोग आई टी कंपनी में काम करेंगे तो उसका भट्टा बैठ जाएगा। ये तो वही है। तुम लोग क्या गप्पे मार रहे हो? जो अभी बाइक में गया वही लड़का था, वही पकड़ो उसे। सुन रहे, तूने कोई प्रोग्राम बनाया है ना, वो हार्ड डिस्क दे मेरे को। वो हार्ड डिस्क नहीं है, हार्ड डिस्क है। अरे कोई भी डिस्क मेरे को मांगता वो। एक मिनट भाई। भाई बोल रहे हैं ना, चल हार्ड डिस्क दे। तेरा भाई मांगेगा तो दे दूंगा। क्या सियान पट्टी दिखा रहा तेरे फोन की तो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, इट्स अ बिग ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस दैट हैव कम ट्रू। We are looking forward for your valuable suggestion and ideas for global warming. Let's start the presentation now. Let's call upon Pearl and Furest first. Hi, good morning everyone. Hey, main pooch raha hu tu phone nahi uthaya. क्या माँ, सुबह से कॉल नहीं किया? आपको पता है ना, आपसे बात करके ही मैं बाकी के कॉल अटेंड करता हूँ। अरे सर में दर्द था बेटा, इसलिए सो गई थी। बेटा अभी दर्द कैसा है माँ, पापा को बताया? छोटी छोटी बातें पापा को क्या बतानी, कौन है? ठीक है माँ। नहीं मैं काम में बिजी हूँ ना, बाद में बात करता हूँ। And now we call upon KCS for the presentation. Good morning everyone. We lose the battle against air pollution because it's a climate change. If there is a no tree, it means there is a no life. Now we call upon Macrio for the presentation. Hey, look! And now we call upon VCA for the presentation. Sir, huh? With your kind permission, our product head is on the way. So maybe please postpone the session for another 5 minutes. Doesn't matter. You did not keep your word. And you are insulting this project, you know that? Log mere liye wait karte hain. Aur main aapki company ke logo ka wait karu kya? Punctuality is very important for me. I'll give it 2 minutes. Get your person. Thank you, sir.
एक्सक्यूज मी सर, अनदर टू मिनट्स. योर प्रेजेंटेशन टाइम इज ओवर. आई एम कैंसलिंग योर कंपनी प्रेजेंटेशन. यू मे लीव. वी सॉ ऑल थ्री प्रेजेंटेशंस एंड ऑल द हार्ड वर्क यू हैव पुट इन इज रियली कमेंडेबल. गुड वर्क. सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इसमें होने वाले फायदे और नुकसान का हिसाब लगाने के लिए, एंड देन मैं आपको बताऊंगा. ओके. 25 सालों से हम इसे लीड कर रहे हैं. कल के आदमी को हम छोड़ देंगे क्या? लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज बी सीटेड. सर प्लीज बैठ जाइए ना. सर प्लीज गिव सम टाइम टू एक्सप्लेन माय प्रोजेक्ट. सर प्लीज सर. ओके गो अहेड. थैंक यू सर. सर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन माय प्रोजेक्ट इन हिंदी सर. With your permission, I'll submit my project, sir. Nothing wrong, Mr. Khanna. I like your simple and honest approach. ये क्या बोल रहे हैं? Go ahead. Thank you, sir. Sorry, Mr. Stop your presentation. You didn't come here to sell your countryside. It is an international issue, so you should stop your emotional stupidity. Madam, I'll give you language converter. You can listen in your language. Kishore, language converter दे दो. मैं हिंदी में जो कुछ भी कहूँगा, उसे आप अपनी भाषा में सुन सकती हैं. जो भी ये हिंदी में बोलेंगे, उसे आप अपनी भाषा में सुन पाएंगे. मैडम, आप पीसी लीजिए. Thank you. बच्चे ने पेंसिल कटर से पेंसिल को साफ किया और पेड़ गिरने लगे. जब भी मैं ये कविता सुनाता हूँ, मेरे कानों में तालियों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसके पीछे पेड़ों के रोने की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती. खेती बाड़ी के वीडियो बनाकर डालने वाले हम लोग हकीकत में एक पेड़ भी नहीं लगाते हैं, लेकिन ग्रीन डेवलपमेंट के बारे में इंग्लिश में, तमिल में, हिंदी में, सारी भाषाओं में चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं. इस वक्त एसी ने पेड़ों को बचाने के लिए जो एक अच्छा कदम उठाया है, उसके लिए मैं सच्चे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ. पिछले दिनों में तूफान की वजह से 6 जिले तबाह हो गए थे, लेकिन चेन्नई के करीब स्थित उमड़ी पुंडी में एक बूंद बारिश भी नहीं गिरी. इंसान पानी के लिए दर दर भटक रहा है. हमें मिलकर कुछ न कुछ करना होगा. इसके लिए पहला कदम है पेड़ों को बचाना. एक पेड़ से मिलने वाला ऑक्सीजन 3 इंसानों को सांसें देता है, लेकिन 3 इंसानों को पेड़ लगाने के लिए कहेंगे तो जवाब होगा ना. पेड़ों को हम इसी तरह खत्म करते रहे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और इंसान जी नहीं पाएगा. इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हमें खबरें पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर चाहिए. ऐसे ही पूरी दुनिया में न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन्स छापने के लिए जो पेपर्स चाहिए, उसे बनाने के लिए 3.5 मिलियन से लेकर 7 मिलियन तक पेड़ों को हम काटते हैं. इस पेपर प्रोडक्शन को अगर हम कट कर दें तो पेड़ों को काटना ही नहीं पड़ेगा. पेड़ों के जरिए पेपर यूज करने वाली हर चीज को डिजिटल में बदल देंगे तो उन्हें स्टोर करने के लिए हमें एक ही सर्वर काफी होगा. उस सर्वर को रेडी करने के लिए बहुत सारे एकड़ जमीन, बहुत सारे वर्कर्स और बहुत से रुपए लगेंगे. इसका एक अल्टरनेटिव ही है हमारा आज का ये प्रोजेक्ट. इसका नाम है वर्चुअल स्टोरेज. ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसा है, स्पेस में ही स्टोर होगा. इस सर्वर को मेंटेन करने के लिए पैसे, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस कुछ भी नहीं चाहिए होगा. He's too good and brilliant. बस 10x10 का एक छोटा सा रूम लगेगा. हमारे नॉलेज के बिना कोई उसे ओपन भी नहीं कर पाएगा. इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं. इस वर्चुअल स्टोरेज को कोई मिटा भी नहीं सकता. अगर हम इसे हकीकत में ले आएंगे तो पेपर के लिए पेड़ों को काटने का प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगा. अपना मोटिव भी सक्सेसफुल होगा. हम जिस धरती पर जी रहे हैं, उस धरती के लिए कुछ अच्छा किया, ऐसी खुशी भी मिलेगी. मौका देने के लिए एएसी का धन्यवाद. Oh, very good. Guys, चारों कंपनीज के प्रोजेक्ट देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं. इनफैक्ट मैंने फैसला कर लिया है कि मिस्टर काना और इनकी कंपनी VCL को यह कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा. मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा और एक बड़ी रकम एडवांस में दूंगा. Welcome. By the way, she is Mr. Gayatri from Virginia. Gayatri, this is Mr. Khanna, one of our company team leads. Hi. Namaste. Tu bhi no? Namaste. Hi. Namaste. Hey, baith ja. Main to bas paani. Haan, to iske liye jagah se uth kyun raha hai? Khanna, Miss Gayatri and team aaj se aapki team join karke isi project par kaam karne wale hain.
सुपर। सर गलत मत समझना प्लीज, ये लोग हमारे साथ कई सालों से काम कर रहे हैं, बहुत भरोसेमंद लोग हैं। नए आए हुए लोगों के बारे में हमें कुछ नहीं पता, बहुत कंपटीशन के हालात में हमने ये प्रोजेक्ट लिया है। सारी चीजों को बहुत कॉन्फिडेंशियल रखना काफी जरूरी है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि यस आई एग्री विद योर परसेप्शन बट दे आर हाईली टैलेंटेड पीपल, दैट्स व्हाई आई एम अप्रोचिंग देम। जीतने के लिए टैलेंटेड से ज्यादा भरोसेमंद लोगों की जरूरत होती है, इसलिए इन पर भरोसा होने तक इन्हें किसी और प्रोजेक्ट पर वर्क करने दीजिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर, यू हैव नो राइट टू डाउट आवर क्रेडिबिलिटी, हाउ कैन यू इवन कमेंट ऑन अस। इन लोगों के बारे में जाने बिना आप इन्हें जज कैसे कर सकते हैं? हेलो हेलो, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? हे, देखिए हम आपसे बात नहीं कर रहे, सीईओ सर से बात कर रहे हैं। सर काना, सॉरी सर, इनकी टीम को अपनी टीम में शामिल नहीं कर सकता। काना सुनो, चलो उठो। ए, रुक जा यार। काना, अरे हेलो। हाँ बेटा, उठ गए? रात में लेट से सोया था इसलिए माँ अभी उठाऊं। बेटा एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है माँ? तेरी माँ का दिल खुशियों से भर गया है बेटा, तेरी माँ ने तेरे लिए एक लड़की देखी है, उसका नाम है अंजलि, घर में सबको बहुत पसंद है वो, तुम्हारे गांव आने के बाद तुम्हारी सगाई कर देंगे, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है माँ, आप जब कहोगी मैं सगाई के लिए आ जाऊंगा माँ। बेटा बहुत समझदार है, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है माँ, संभल कर आना। हाँ पापा, माँ सुबह ही बता रही थी, मैं जरूर आ जाऊंगा सगाई के लिए पापा। अरे कुछ नहीं हुआ। अरे रे, टूट गया क्या? हाँ ठीक है ठीक है, ऊपर जाकर पहले पापा से बात करता हूँ। सर अभी तक आए नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ ये देखो आ गए, देता हूँ। सर आपका फोन। हेलो काना, मैं तुम्हारा भाई बोल रहा हूँ। सिक्योरिटी के पास फोन कर रहे हो भाई? मैंने आपसे बात की थी सगाई के लिए ना, कहा ना आ जाऊंगा। अच्छा, फोन का क्या हुआ? बैटरी डाउन हो गई है, मैं चार्जिंग करता हूँ। ठीक है ठीक है, ये लो। सर आपके अंकल लाइन पर हैं। अंकल? हेलो, क्या मामा इस लाइन पर फोन किया? अरे पता है मामा, मैं आ जाऊंगा, फोन का चार्जिंग खत्म हो गया था, चार्जिंग करता हूँ, ये लो। सर आपके अंकल का फोन है। अंकल का? बेटा अरे यहाँ फोन क्यों किया, कहा ना आ जाऊंगा, चार्जिंग खत्म हो गया है, चार्जिंग करता हूँ अभी, ये लो। सर आपके लिए कॉल है। कौन है? आपके लिए फोन है सर। हाँ भाभी, इस नंबर पर फोन क्यों किया? वो आपकी बेटी की फ्रेंड है। हाँ। अच्छा सगाई के लिए ना, मैं आ जाऊंगा, फोन का चार्ज खत्म हो गया था, अभी चार्ज करता हूँ, ठीक है, ये लो। सर आपके लिए फोन है। दीदी क्या दीदी, आ जाऊंगा दीदी, आ जाऊंगा, सगाई के एक दिन पहले पहुंच जाऊंगा। हाँ कहा ना बैटरी नहीं है, चार्ज करता हूँ। सर आपके मामा का फोन है। मामा जी का फोन इस लाइन पर? हेलो भांजे। हाँ मामा जी, ये नंबर आपको कहाँ से मिला? सगाई का ले, मैं आ जाऊंगा मामा, जरूर आ जाऊंगा, सगाई से एक दिन पहले आ जाऊंगा, ये लो। सर आपके फोन कौन? हेलो सब लोग अपना फोन स्विच ऑफ करो और दो घंटे तक कोई अपना फोन मत छूना, यही से रखो। सर वो मेरा फोन, उसने ही लेके दिया, चल जाना। क्या है यार ये, सिक्योरिटी से लेके झाड़ू मारने वाली तक को तो अपना नंबर देके रखा है, और वो जानवर का क्या नाम है, सिंगम पुली मामा है, बाथरूम जाने के टाइम पे वीडियो कॉल कर रहा है, इज्जत का कचरा। तू अटेंड क्यों कर रहा है? अरे वो बाथरूम जाने के टाइम पे फोन कर रहा था, मैंने अटेंड कर लिया। अरे यार ये बता, हम कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या तेरे लिए कर रहे हैं? परिवार है तो प्यार में लोग ऐसे ही करेंगे, हम नाराज नहीं हो सकते। हाँ चलो हटो। ए, प्यार तुझे करेंगे तो ठीक है, ए, अभी मैंने क्या किया जो तू नाराज हो गया? ए, चुप कर आना। सर व्हाट इज दिस, आपके घर से कंटिन्यूस कॉल, कोई कठपुतली करके सिंगम पुलिया ना? हाँ हाँ हाँ, बाथरूम से वीडियो कॉल कर रहा है ना, देखा ना तूने, लगता है उसे वहीं सिग्नल मिल रहा है। सॉरी सर, अब आपको फोन नहीं आएगा, मैं देखता हूँ सर। ओके okay. आपने देख लिया क्या? अच्छी लगता है, इन्होंने पूरा देख लिया। मेरी फैमिली के बारे में तुझे क्या पता है? क्यों, तेरी फैमिली बहुत अमीर है क्या? अमीर फैमिली नहीं है, प्यार भरी फैमिली है। ये देख,
ओह, ये तेरे पूरे गांव के लोग हैं ना? ये मेरी पूरी फैमिली है। कुदरत की चादर से ढका हुआ ऐसा है ये मेरा हरा भरा गांव। गांव में हमारी फैमिली सबसे बड़ी फैमिली है। बड़ी फैमिली मतलब ये कोई सरपंच या राजनेता की फैमिली नहीं है। 44 लोग एक ही घर में जॉइंट फैमिली बनकर साथ जीते हैं। बहुत बड़ा परिवार है। एक ही फैमिली में हम 10 भाई बहन हैं, 5 बहन और 5 भाई। उनके बच्चों को मिलाकर 42 लोग हैं। ये मेरे मामा है कल्याण सुंदरम, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी शादी होने के बाद ही अपनी शादी करेंगे। इस जिद में अपने बाल भी नहीं कटवाए और अब तक कुंवारे हैं। गुड़ डाला क्या? बहुत ही स्वादिष्ट है। पंडित जी आप बोलिए। मैंने कुंडली देखी है, बहुत ही बढ़िया कुंडली है। 10 के 10 गुण मिल रहे हैं। फिर कहना ही क्या है, लड़की की शादी बिना सोचे समझे करवा देते हैं। क्या कहते हैं? मेरे भांजे का रिश्ता इसी घर में होने के लिए शायद भगवान ने तय कर रखा है। ये दादी जी को क्या हुआ? ये तो ऐसी ही है जी। अच्छा दादी देखिए, ये मेरी दीदी, ये मेरे जीजा और इनका प्यारा बेटा मेरा भांजा, यही आपका दामाद बनने वाला है कान्हा। नमस्ते। हाँ चलिए। ये कान्हा के बड़े भैया हैं और ये उसकी भाभी। ये मेरी बहन की बेटी वीरलक्ष्मी और ये सुंदरम। नमस्ते। नमस्ते। ये मेरी दीदी की दूसरी बेटी सदलक्ष्मी और नमस्ते। नमस्ते। मेरी दीदी का दूसरा बेटा कार्तिक और उसकी पत्नी दिव्या। नमस्ते। मेरी दीदी की और बेटी है शुभलक्ष्मी और उसके पति रविरंजन। नमस्ते बेटा। ये मेरी दीदी की बड़ी बेटी धनलक्ष्मी और उसके पति गुणवंत शेखर। नमस्ते जी। ये मेरी दीदी का एक और बेटा है, नाम है बटला पांडी और उसकी बीवी है मेघा। ये मेरी दीदी की बेटी किलिंगजना और उसके पति आर्डियान। नमस्ते दादी। नमस्ते जी। इनसे मिलिए, ये दीदी की बेटी है रामलक्ष्मी। नमस्ते बेटी। ये रामलक्ष्मी के पति हैं, इनका नाम है पटला दुरई। ये मेरी दीदी की पोती है, नाम है इलावेनी। नमस्ते। ये जया की बेटी। नमस्ते। ये कीर्तना की बेटी और ये है किलिंगजना की बेटी। ये मेरे दीदी के ससुर पठान दुरई और ये है इनके पोते की बेटी। और ये है, ये क्या हुआ, दादी की उंगली फ्रीज क्यों हो गई? वो ऐसी है जी, तुम जाके लड़की को तैयार करके ले आओ। ठीक है, पानी लेके आता हूं। दादी वो पानी लेकर आ रहे हैं। दादी, अरे दादी। पंडित जी, आप जिस काम से आए थे वो काम हो गया, घर पे आइए, पैसे देता हूँ। मैं जा रहा हूँ, दादी को बोल दूँ? जाइए जाइए। ये तो चली गई। अरे पागल कल्याण, वो दादी जब बाहर जाती है तो 400 परिवार के लोग उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। तूने 40 लोगों को दिखाकर उनकी कहानी खत्म कर दी। हाँ, पर अब बताओ क्या करूँ? तू एक काम कर, अपने रिश्तेदार यही हैं, उनके रिश्तेदारों को बुला ले, तू इनका अंतिम संस्कार करके घर आ जाना। अब लोग जा रहे हैं। अरे भाई, मैं इस समय तकलीफ में हूँ, तुम सारे लोग मुझे सपोर्ट करने के बजाय यहाँ से कल्टी मार रहे हो, कोई आइडिया बताओ ना। अरे पहले वहाँ से उठ तो सही। हाँ ठीक है, उठता हूँ। तुझे क्या पाइल्स की शिकायत है? दादी ने शर्ट को पकड़ के रखा है। अरे तो शर्ट उतार उतार बे, उसको कहीं के आई के उतार देता हूँ। अरे उनके आने से पहले अपनी शर्ट उतार कर आ जा। क्या कर रहे हो, आना जल्दी। अरे चलो, अरे जल्दी आप आ रहा हूँ। इन लोगों ने मेरी माँ को मार दिया। अरे इस भांजे के लिए कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अगर ये बुढ़िया कहीं मेरी धोती को पकड़ लेती तो पता नहीं क्या होता। सब लोग ऐसे चल रहे हो जैसे किसी मातम से लौट रहे हो। बताओ ना क्या सोच रहे हो तुम लोग? शादी रुक गई है, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे दादी भी तो चली गई। अरे सुनिए, उनके मरने की वजह से शादी रुक गई है, इसलिए आप टेंशन नहीं। जीजा जी, उसके लिए कोई टेंशन नहीं ले रहा। ये बात अगर नीलम्मा को पता चली तो हमें पूरा बदनाम कर देगा। वो कैसे आएगा भाई, हम तो गली बदल कर मामा के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, वो हमें बिल्कुल ढूंढ नहीं पाएगा। हम अपने भांजे का रिश्ता मान लेते हैं। क्या मैं भी इसी गांव में बचपन से पला बड़ा हूँ। हाँ तो क्या हुआ? तुम चाहे जिस भी गली में घूम कर आओगे मुझे पता नहीं चलेगा। सारी गली चौराहे से पता है यार। तुम लोग नई नई गली ढूंढ के निकाल रहे हो। गली का नक्शा ये हाथ में लेकर घूमता है क्या रे? लड़की देखने के बहाने तुमने उस बुढ़िया को मार दिया। जान संभाल के, वो बुढ़िया अपनी मौत मरी है। फिर तेरी शर्ट कहाँ है? अरे किसने इतनी जल्दी इसे बता दिया यार? किसी कमीने ने बताया होगा। तुम लोग क्या करते हो, उसकी रनिंग कमेंट्री मेरे घर पर पहुँचती है। मेरे सोने चांदी को छोड़कर तुम लोग हर जगह लड़की ढूंढ रहे हो। तुम लोग बदनाम होकर मरने वाले हो। ए बुड्ढे,
तुझे भी कह रहा हूँ भाई साहब, सोना है तो लड़के से शादी करके हमें सोना मांगना चाहिए। शादी के लिए तुम्हें गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं मांगना चाहिए दामाद? मैं भी तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, ऊपर से तुम्हारा पड़ोसी हूँ, तुम्हारे ही घर के सामने रहता हूँ। मेरे घर पर 10-15 लोग काम करते हैं, हर चीज है, किसी चीज की कमी नहीं है। ए दूल्हे, मेरी दादी की जो शादी है वो तेरे दादा से होने वाली थी और मेरी मौसी तुम्हारे चाचा से करने वाली थी, लेकिन पता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे सामने बोलना मत ज्यादा। ए, कैसे तूने इतने रिश्तों को याद रखा है? पूरी रात बैठ के रिहर्सल की थी मैंने। भाई की बेटी सोना चांदी दोनों की शादी तुमसे नहीं करवाई तो मेरा नाम बदल देना, मेरे परिवार का यही लक्ष्य है, समझे क्या? मुझे एक से तुम दो लड़कियों की शादी करवाओगे क्या? शर्म नहीं आती? ए दूल्हे, मेरे भगवान की भी दो दो बीवियां हैं। जब मेरे भगवान ने चिंता नहीं की तो मैं चिंता क्यों करूं? सुनो नीलम्मा, मैंने जो चुटिया बढ़ाई है उसकी कसम खा के कहता हूं, अगर मैंने अपने भांजे की जल्द से जल्द शादी नहीं करवाई तो मैं उसका मामा नहीं हूं। तो इसका सगा मामा है या कोई उठाया गिरा? तो मुझे छोड़ इस गांव के आसपास भी कहीं चला जाएगा तो भी तुझे कोई लड़की नहीं देगा। अगर कोई लड़की देगा तो मैं क्या करूंगा रे? मेरा भाई क्लोज कर देगा इसे। अब मेरी बात सुनो, इस जन्म में तो क्या, किसी और जन्म में भी तुम्हारी परंपरा की आशा कभी पूरी नहीं होगी। अरे इन नालायकों से तुम लोग क्यों बात कर रहे हो? चलो सब लोग अपने घर जाते हैं। चलो तुम बकवास कर रहे हो। ए बुजुर्ग, आज नहीं तो कल मैं ही तेरे घर का समधी बनूंगा। भांजे तू टेंशन मत ले, हम लोग देख लेंगे। ए, तुम्हारे बारे में मुझे पहले से ही पता चल गया था, हम देख लेंगे तुम्हें। जाओ निकल लो। सॉरी यार, लड़की देखने गए थे और किसी को मार के चले आए तुम लोग। मेरे हिसाब से शादी के मंडप में किसी नमस्ते करने वाले पुतले को खड़ा कर दो, वो तेरे पूरे परिवार को नमस्ते करता रहेगा। ए, तेरे परिवार में किसी को कोरोना हुआ क्या जो ऐसा आदमी पैदा हुआ? ये मेरी बड़ी दीदी का बेटा है। मेरी शादी को लेकर इसे सबसे ज्यादा फिक्र है। कहता है मेरी शादी होने के बाद ही अपनी शादी करेगा। ऐसे आदमी को चिड़ियाघर में छोड़ा जा रहा है तो कमाई भी अच्छी हो जाएगी। जा रे, इसका नाम है माया कन्नन। माता नाराज मत होना, तुम्हें दर्द नहीं होगा। ये देख, गाय को बिना छुए ये दूध निकाल रहा है। अबे लूजर, ये आज से नहीं पहले से करता आ रहा है। वर्कर प्लीज सिट डाउन। चल बैठ जाओ, बैठने को बोल रहा है। पता चल रहा है ना, जहर पी के मर जाओगे तुम लोग। चल रहे चल। क्या भाई, तुम हमेशा नाटक करते रहते हो। सच में दूध कब निकालोगे भाई? अनजाने में हाथ लगाया तो तुमने लात घुसे बरसा दिए, अपना मुंह बंद कर रहे। अब मुझे पता चल रहा है कि तेरी शादी क्यों नहीं हो रही। शादी हो गई क्या? नहीं हुई। छोटे भाई के हाथ में चाकू देकर उसकी बीवी के साथ घूमने वाला तू मेरे सामने सवाल कर रहा है? अरे भाई, ये सवाल करने पर इतना बोल रहा है तो गाय को सुई लगाने के लिए बोला था। लगाया क्या? नहीं। क्यों? सुई टूट गई। अबे तुझे नहीं, गाय को लगाने के लिए बोला था। अरे सुन, तुझे भैंस को नहलाने के लिए बोला था, नहलाया क्या अभी तक? तो नहीं। क्यों? पानी नहीं आया। अरे सुबह तालाब में जो भैंस नहा रही थी वो किसकी थी? वो भैंस नहीं, मैं था भाई। तो खुद भैंसा होकर नहा सकता है तो फिर भैंसों को क्यों नहीं नहलाया? ऊपर से भैंसों का रखा हुआ चारा खा जाता है। आपके भांजे के लिए सभी लोग लड़की देखने गए थे, आप नहीं गए क्या? हर हफ्ते वो लोग बस में बैठ के गांव घूम के आते हैं, मैं नहीं जाता हूँ भाई। अगर आप नहीं जाओगे तो आपके पिताजी नाराज हो जाएंगे। मुझे वो सब याद मत दिला, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। भैया आप अपने पिताजी पे इतना गुस्सा क्यों रह गए? वो पिताजी बनने लायक है क्या? अमावट के पापड़ के जैसा है वो, एक दिन अपने पैरों के नीचे कुचल के पाउडर बना दूंगा। क्यों भाई? क्योंकि बचपन से मुझे सरपंच बनना है बोल के इन भैंसों के तबले में काम करने वाला वर्कर बना दिया। सुअर पालने वाला काम नहीं दिया। सुअर पालने वाले को नहीं समझता है क्या? पता है सुअर पालने वाला अमेरिका का अमीर आदमी है। एकदम फिल्म की हीरोइन की तरह आ रही है। क्या बात है, कितनी अच्छी लग रही है। कौन है रही है? अपने तबले में काम करने वाली वाली अम्मा की पोती है। अरे दूध बहुत रफ्तार से निकालती है। क्या बात कर रहा है? वो तेरी बहन जैसी लगती है। ये बात उसे बोलने देना, तू अपना सड़ा हुआ मुंह बंद कर। इतना बड़ा है गगरी स्लीपिंग। दूध भी फुल भरा हुआ है, जमा किया पूरा दूध फैल गया। फिर मेरा परिवार जिस काम के लिए गया था समझो वो भी नहीं हुआ। पता नहीं किसकी नजर लग गई है, जब भी कोई लड़की देखने जाते हैं कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, कहीं बात नहीं बन रही, मन बहुत दुखी हो जाता है। इसके लिए आप क्यों तकलीफ उठा रही हो?
आपकी यही ख्वाहिश है ना कि आपके बेटे की शादी हो, और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं शादी करूं और मेरे बच्चे आपकी गोद में खेलें, और ऐसा ही होगा माँ। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा माँ। अगली लड़की कौन है? हाँ, अब उसका नाम है सौंदर्या। वही तो मैं सोच रहा था, जैसा नाम है वैसी ही दिखती है, पास के गाँव में रहती है। कल तू जा रहा है ना बेटा, अब जाने से पहले उसे देख कर आते हैं। जरूर देखेंगे माँ, जरूर। हाँ। इस घर की लड़कियां हमारे घर के लिए सेट होंगी कि नहीं? इस घर में कोई दादी नहीं है, यहाँ की लड़की सेट हो जाएगी। मैं सारे परिचय पेपर पे लिख के देता हूँ। चलिए अंदर आइए, सब लोग चप्पल उतार कर अंदर आ जाओ। आओ, ए तुझे देखने के लिए पूरे गांव के लोग आए हैं, बहुत खुश नसीब है तू। बस यहाँ बात बन जाए और क्या। ए लड़का बहुत हैंडसम दिख रहा है, दाढ़ी है और स्माइल तो कमाल की है, कहाँ नौकरी करता है वो तुझे पता है क्या? किसी आईटी कंपनी में टीम लीडर है। आईटी कंपनी में तो बहुत एंजॉय करते हैं, हर वीकेंड को पार्टी होती है उनकी। आईटी कंपनी का टीम लीडर है तो पगार भी अच्छी होगी, चेन्नई में घर, लग्जरियस कार, हस्बैंड के साथ हमेशा खुश रहेगी और वीकेंड पर खूब एंजॉय करेगी। दीदी क्या हुआ बंटी? वो दादाजी को आप बहुत पसंद आई। दादा को पसंद आई ठीक है, लेकिन दूल्हे को पसंद आई क्या? अरे आंटी, मेरे कान्हा दादा ही तो इनसे शादी करने वाले हैं। क्या बोल रहा है ये? अरे दादाजी बोल रहा है, तुम दादाजी से शादी करने वाली हो क्या? तुमने बताया नहीं हमें। आज के बाद तुम हमारी भी दादी बन जाओगी। जल्दी में ये लोग मुझे ही ना दूल्हा समझ ले, मैं थोड़ा पीछे हो लेता हूँ। पापा। क्या हुआ बेटी? लड़की कुछ कहना चाहती है। हाँ बोलने दीजिए माँ। पापा मुझे लड़के से अकेले में बात करनी है, उसे बुलाइए ना। कोई बात नहीं, जो कहना है यहीं कीजिए, हम सब एक ही परिवार के हैं। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। हाँ? ये लड़का अभी से आपके लड़के को दादा कहकर बुला रहा है, और ये सुनकर मेरी फ्रेंड से मेरा कितना मजाक उड़ाया, मुझ पर हंस रही थी और मुझे गिल्टी फील होने लगा। कल को मेरी इनसे शादी हो जाएगी, इनके साथ कहीं मार्केट में जाऊंगी तो सब लोग मुझे दादी दादी कहकर चिढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, मैं शादी करके चेन्नई में इनके साथ जॉइंट फैमिली में नहीं बल्कि अकेले रहना चाहती हूँ। इस तरह ये 40 लोगों के परिवार के बीच में नहीं रह सकती। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। जब मैंने इनके परिवार को फोटो दिखाई थी तो सब लोग बहुत खुश थे, अभी ये लड़की ऐसा क्यों कह रही है? ऐसा कोई करता है क्या? क्या कह रही है ये? ओ, इसने मुझे दादा कहकर बुलाया तो आपको तकलीफ हुई। मेरी दीदी का पोता है तो क्या कहकर बुलाएगा, दादा ही तो कहेगा। ए, तू क्या कहती है? मैं कहता हूँ वो सुन, तू मुझे पसंद ही नहीं। कितनी भी उम्र हो जाए चेहरा बदल सकता है, रिश्ता नहीं बदल सकता। इस धरती पर पक्षी और जानवर भी साथ मिलकर रह सकते हैं, लेकिन इंसान कहलाने वाले हम लोग अपनी फैमिली के साथ जीना भूल गए हैं, और उसकी वजह है सेल्फिशनेस। अच्छा हो या बुरा हो, चाहे मेरा कोई भी जन्म हो, लेकिन जो खून का रिश्ता है आंखें हमेशा उसी को ढूंढती हैं, और ना मिले तो आंसू बहाती है। अरे इसी को तो कहते हैं परिवार की शक्ति। उस शक्ति को खोकर जीना अपनी ही जमीन पर रेफ्यूजी की तरह जीने के समान है। जिंदगी चाहे छोटी या बड़ी हो, उसके बारे में महसूस करना जरूरी है, और चोट खाने के बाद ही महसूस किया जा सकता है। ऐसे दर्द के साथ जीने वाली जिंदगी नरक होती है। मेरे लिए मेरा ये परिवार ही सब कुछ है, इन्हें मैं खो नहीं सकता। एक बार मैं तुम्हें ना कह सकता हूँ, पर इन्हें नहीं खो सकता। चलो माँ, चलो। ऐसा क्यों कर रहा है? शादी के बाद आप लोगों के बिना मैं नहीं जी सकता माँ। चलो चलो सब। हाँ, ये चलो, अकेले चलो। जीना चाहती है, इसे अकेले ही जीने दो। क्या यार, लड़की देखते समय सिर्फ 4 आदमी जाते हैं और तू 40 को लेके जाता है, कमियां तो निकालेंगे ही ना वो लोग। ऐसा नहीं हो सकता क्या कि 2-4 लोग लड़की देखने जाएं? ऐसा भी एक प्लान किया था हम लोगों ने। सत्यानाश हो तुम, सत्ता क्या कर रहे हो? बारी चली क्या? चलो भागो यहाँ से। क्या रे, तू काम धाम छोड़कर गाय भैंसों को डरा क्यों रहा है? इन सब की वजह आप हैं। इतनी उम्र होने के बाद भी बिना शादी के एक्सपायरी डेट पे खड़ा हूँ, पता है क्यों? जिन लड़की को प्यार करता था वो अपने बच्चों को लेके जाती है, मैं टाटा बाय बाय करता हूँ, पता है? तुम्हारा वेट करते करते मैंने अपना वेट बढ़ा लिया है। मेरे साथ घूमने वाले दोस्तों ने अपना परिवार बसा लिया, और मैं यहाँ शराब पी के पड़ा रहता हूँ, क्यों? ये देखो मेरी जवानी और मेरी फीलिंग इन गाय भैंसों के समझ में आ रही है, लेकिन इस बेवकूफ के समझ में नहीं आ रहा। भाई भाई क्यों क्यों? ए,
जवाब देने के बजाय सवाल पूछ रहा है। सर फोड़ दूंगा तेरा। क्या तकलीफ है रे तुझे? तकलीफ तुम ही हो, शंभू शिव शंभू बोलकर तुमने ही सबकी शादी करवा दी। अगर तेरी शादी हो जाती तो मेरी भी शादी हो जाती ना। गाँव में हम 3 साल से रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कोई जब नहीं रहा तो इसमें ये क्या करे? मार के मुंह तोड़ दूंगा। सबकी वजह तुम हो। मैंने क्या किया? क्या नहीं किया तूने? अगर तुमने शादी की होती तो हमने भी शादी कर ली होती ना। उसके लिए सही वक्त तो आए। अब तुम्हारा वक्त खत्म हुआ, अब मैं लेकर के आता हूँ समय। देखो अभी हम लड़की देखने जाएंगे लेकिन पूरे परिवार के साथ नहीं, हम सिर्फ 3 लोग जाएंगे और 4 वापस आएंगे, समझे? मामा है? मामा इसके लिए अब मुझे जल्दी शादी करनी ही पड़ेगी। क्या कह रहा है तू? मेरा मुंह मत देख, उधर बात कर। भांजे तेरी शादी बहुत जल्द होगी, ठीक 10 महीने बाद तू बाप बनेगा। मेरी दादी का पोता। दादी का पोता तो तुम्हारा भांजा भी हूं। ठीक है पोते, तूने जैसा सोचा है, तेरे प्लान के हिसाब से कल अपने भांजे को लेकर हम 3 लड़की देखने जाएंगे। क्या मस्त बात कही। तब तक तू जरा अपने अंदर की गर्मी को संभाल के रख, तेरे इस रूप को देखकर यहां की गाय भैंसें डर रही है। आज तो मैं रोक लूंगा लेकिन अगर कल से फिर मिस हुआ ना तो दूसरा गाना शुरू कर दूंगा, फिर से रुद्र तांडव करके गायब है। इस बार मिस नहीं होगा, इसके लिए मिसेस कंफर्म। ऐसा क्या? मिस तो नहीं होगी? कम ऑन, आज मुझे नहाना पड़ेगा। भांजे तू अपनी मर्जी से चल रहा है ना, तेरा चेहरा इस तरीके से लटका हुआ क्यों है? क्या मामा, घर से कोई नहीं आया इसलिए अकेला फील हो रहा है क्या? घर से कोई नहीं आया ना मतलब हम सक्सेस होंगे, सब कुछ ठीक होने के बाद सबको लेके आएंगे। मामा तुमने तो बोला था किसी को नहीं बताया, फिर दादी फुल मेकअप में यहाँ क्यों खड़ी है? अभी सर अरे मैंने किसी को नहीं बताया, मेरा विश्वास कर। भांजे ईमानदारी से तू मेरे सवाल का जवाब देना, अपनी माँ को तूने बताया ना? हाँ मामा। पर क्यों? लड़की देखने के लिए माँ को लिए बिना कैसे जा सकते हैं? ये तू क्या कर बैठा, तेरी अक्कल घास चरने गई थी क्या? ये मुझे पत्थर से मारने आ रहा है, अपनी जबान से क्यों पलटा? ए शैतान हो तुम लोग, मार खाओगे। पहले कुछ डालेंगे तभी तो कुछ निकलेगा, मैं आपको ऐसे गया गुजरा लगता हूँ? चुप कर। देखा तूने, सच बाहर आ गया ना, इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ पहुँची है समझ में आ गया। मैं आपको अच्छे से समझ गया मामा जी। मुझे तो तेरे ऊपर ही डाउट हो रहा है, माँ के अलावा तुमने किसी और को तो नहीं बताई ये बात? तेरी कसम खाकर कहता हूँ मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर तो तुमने कंफर्म किसी को बताया? कैसे आ गई? मुंह बंद रख अपना। अगर कहीं मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया ना तो सगा भाई इसलिए तुझे छोड़ रही हूँ। बहुत ही घटिया तरीके से पाला है, उधर देखो पूरी टीम आ रही है। इन लोगों को किसने बताया यार? मामा नमस्ते जीजाजी। मुझे अगर कमल का फूल चाहिए तो सगा मामा वाला रिश्ता चाहिए, इसीलिए बुलाया है तुम्हें। मैं जो कह रहा हूँ सुन लिया करो, पहाड़ चढ़ना है तो जीजा का सपोर्ट चाहिए, इसीलिए इन्हें क्या कहना चाहता है? अब मैं क्या बोलूँ, तुम ही लोग करो कुछ ना कुछ, कहीं आगे कोई और टकरा जाए। चलो जल्दी चलो। जीजाजी आपने जैसा बोला था हम लोग यहाँ खड़े हो गए। की बात मत सुनना, जो बोलूँगा वही करना। भाई आगे पता नहीं क्या बकवास चल रही है, इससे अच्छा हम लोग दूसरी तरफ से जाएं। चलो चलो रुक जाओ। ये मटके जैसा मुंह किसने बनाए रे? स्पीड ब्रेकर के जैसे लोग आके खड़े हो जाते हैं। अरे कैसा परिवार है आप लोगों का, हमेशा टांग अड़ाने जा जाते हो। अपने परिवार में सिर्फ बाथरूम करने के लिए अलग अलग जाएंगे, बाकी सब एक साथ में। ए माय करना, क्या है? बिना बताए काना के लिए लड़की देखने जा रहे हो? हाँ? हमारे परिवार में बिना बताए किसी की शादी हुई है क्या आज तक? कैसे होगा, पूरे गांव में तो आप ही लोग हैं। क्यों भाई, लड़की देखने जाना है और इतनी देर से आ रहे हो? अब ये नमूना कौन है? देवर जी, उस लड़की के बारे में हमने पूछताछ की, हमारे परिवार के लिए वो लड़की बिल्कुल सही नहीं है। इस बालू के साथ तुम लोग घुल मिल गए ना तो इस जन्म में तो क्या अगले जन्म तक तुम्हारी शादी नहीं होने वाली। इधर आ जाओ ना देवर जी। तो खुद छपरी है, उसे भी अपने गैंग में शामिल कर रहा है, अरे किसी को तो छोड़ दे। केले जैसी बॉडी है, छील के खा जाऊंगा तुझे, चल जा यहाँ से। ज्ञान बढ़ता है। अरे भाई अब हम क्या करेंगे? जब तक ये परिवार है ना हम कुछ भी नहीं कर सकते, एक चीज कर सकते। क्या कर सकते? दूसरे नंबर का गाना बजा सकते हैं। तक तक रे तक तक रे तक तक रे ता ता तिंगा 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 भागो 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 भागो। अरे चलो 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 निकल ले तुम्हारी। यार तुझे एक सच्चाई बताऊं, इस जन्म में तो तेरी शादी होने से रही, चुपचाप अपना प्रोजेक्ट पूरा कर। हे हाँ, कैसा आदमी है तू, अपने दोस्त के बारे में ऐसा बोल रहा है? चुप बैठ। ए सिंगमबुली, तू इसका चचेरा मामा है या सगा मामा है? हमेशा तू बाथरूम से कॉल क्यों करता है? सर काना, मेरे केबिन में आ सकते हो? ओके सर। जरा जल्दी आ जाओ। मैं अभी आता हूँ सर। क्या हुआ सर, ऐसी अर्जेंट क्या बात है? काना, अपने चेयरमैन का ड्रीम, हम सब की मेहनत, ये सब कुछ वेस्ट होने वाला है। WEC प्रोजेक्ट अपने हाथों से निकलने वाला है। आप क्या कह रहे हैं सर? यस काना, हमें उन लोगों ने डिलीवरी के लिए 3 महीने का समय दिया था ना, अब उन्होंने 30 डेज कम कर दिए हैं। विद आवर लिमिटेड रिसोर्सेस ये प्रोजेक्ट हम नहीं कर सकते, हमें ऐसा लग रहा है। क्यों नहीं हो सकता सर? कैसे होगा काना? सर आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है क्या सर? काना मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बहुत सी कंपनी में आपने हमें अच्छा नाम कमा कर दिया है, उस बात को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास बहुत कम समय है। प्रैक्टिकल सोचो, ओवर प्रेशर में कैसे काम करोगे? सॉरी सर, माँ का फोन है। ओके माँ। एक काना,
तेरी पसंद की सूखी मछली बनाई है मैंने, रात को आकर खाएगा ना बेटा? माँ मैं अभी ऑफिस में हूँ माँ। अरे अरे मुझे लगा था कि तुम आ रहे हो इसीलिए कहा। सुबह तेरे आते ही सगाई रख देंगे बेटा, टाइम पर बस स्टॉप पहुँच जाना, बस छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है माँ मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, रखता हूँ माँ। सॉरी सर। इट्स ओके सर। 30 डेज है, एक दिन में सभी लोग 8 घंटे काम करते हैं, अगर हमने उसे डबल कर दिया तो हर कोई 16 आवर्स का वर्क करेगा। इस तरह हम ये कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है काना? पॉसिबल होगा सर, अगर हम हिम्मत रखेंगे तो जरूर होगा। हमारी हिम्मत और धीरज से ही ये काम पॉसिबल हो सकता है। बड़ी से बड़ी तकलीफ आएगी सर, हम उसका सामना करेंगे, हम मिलकर काम करेंगे। रणजी ट्रॉफी में एक बार भी कैप्टन न बने धोनी को आगे चलकर इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया गया था, जबकि टीम में और भी उनसे सीनियर प्लेयर्स थे जैसे कि सचिन। उस दिन ऐसा होने की वजह से 28 सालों से जो सपना बनकर रह गया था उस वर्ल्ड कप को हमारा देश जीत पाया। सर एक बार खेलने के बारे में ठान लिया तो जीत हो या हार हो हमें खेलना ही चाहिए। आईटी, राजनीति, सिनेमा, खेल, कोई भी फील्ड हो सबका बेस एक ही है, मेहनत मेहनत और मेहनत करना। हम मेहनत के लिए तैयार हैं सर। वेल डू इट। थैंक यू सर। WEC प्रोजेक्ट अपने हाथ से निकलने वाला है। यस यस, अभी उन्होंने 30 डेज कम कर दिए हैं। We did it fantastic. Yeah. सर 30 डेज है, एक दिन में सभी लोग 8 घंटे काम करते हैं, अगर हमने वर्क डबल कर दिया तो सबका वर्क हो जाएगा 16 आवर्स। हम ये जरूर कर पाएंगे सर। सर यस, क्या बात है? मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। बात करनी है कहकर बुलाया और अब शांति से खड़ी हो, कुछ तो कहो। कल आपकी सगाई है ना सर? हाँ है तो, पर आपको कैसे पता? आपकी जिससे सगाई होने वाली है वो मैं ही हूँ। कल आप गांव मत जाना सर। क्यों? सुनिए, ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं। बचपन से मैं इन्हीं का हाथ पकड़कर हर जगह घूमती आ रही हूँ। बचपन में तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जो भी देखता है वो हमारा मजाक ही उड़ाता है। मैं इन्हें बहुत पसंद करती हूँ सर। अगर आज मैं पढ़ लिख कर एक बड़ी सी कंपनी में टीम लीडर बनी हूँ तो वो इन्हीं की वजह से, लेकिन ये तो आज भी गाँव में खेती बाड़ी ही कर रहे हैं। मेरे घर वालों का मानना है कि मुझ जैसी पढ़ी लिखी लड़की को एक किसान से शादी नहीं करनी चाहिए। देखिए, चाहे आपका परिवार हो या मेरा परिवार, उनके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते। इनसे प्यार करूंगी और आपसे शादी, तो आप दोनों के लिए ये धोखा होगा। हम दोनों तो इस सगाई को नहीं रोक सकते सर, लेकिन अगर आप चाहें तो जरूर कर सकते हैं। प्लीज हमारी मदद कीजिए सर, प्लीज। हमें आशीर्वाद। उठो। ठीक है, मैं देखता हूँ। और घर पर? घर पर किसी को इस बात का पता नहीं चलेगा, मैं देखता हूँ, तुम टेंशन मत लो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक लड़की देख रखी है, कल तुम जैसे ही आओगे तुम्हारी सगाई करा देंगे। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, उस लड़की का नाम भी खराब नहीं होना चाहिए, घर पर सगाई भी रोकनी है, प्रोजेक्ट भी खत्म करना है, ये सोच सोच कर कंफ्यूज हो रहा हूं। मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं यार, चिप्स या अचार क्या बेटर रहेगा? क्या हुआ, कंफ्यूजन में तू पिएगा नहीं क्या? हमारे चेयरमैन का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उन्होंने हम पर भरोसा करके ये दिया है, हम उस भरोसे को तोड़ नहीं सकते। वैसे ही जैसे मैंने उस लड़की को जबान दी है, उसे दिए हुए वचन को भी तो मुझे निभाना है। हे, प्रोजेक्ट पे काम करना है ये बोल के फॉरेन चला जाना? फॉरेन जाने की कोई जरूरत नहीं, गाँव चले आओ ऐसा कहेंगे। फिर क्या, तबियत खराब होने का बहाना कर और छुट्टी लेके यहीं रहे, पूरा परिवार यहाँ आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, वैसे भी यहाँ पानी की बहुत कमी है, तेरा पूरा परिवार आ गया तो यहाँ का पूरा पानी पी जाएंगे वो लोग। हे, एक बहुत बढ़िया आइडिया है, किसी लड़की को पटा और सबसे कहना कि वो तेरी लवर है, क्या बोलता है? अगर एक लड़की से प्यार करता हूँ ये कहकर उसे घर ले जाऊंगा तो पता है क्या होगा, जिसके मुंह में जो कुछ भी आएगा वो बकता रहेगा, फिर कोई अच्छा सा दिन देख के वो तेरी शादी करवाना चाहेंगे, इतने टाइम में तू अपना प्रोजेक्ट भी खत्म कर लेगा और उस लड़की को जो जबान दी होगी वो भी पूरी हो जाएगी। पर झूठ बोलना गलत है ना? तकलीफ देने वाले सच से बेहतर है कि खुशी देने वाला झूठ बोला जाए।
ऐसे अपनी आंखें बड़ी करके क्यों देख रहा है मुझे? वैसे भी तेरे पास हाँ करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके लिए कौन हाँ बोलेगा यार? ऐसी किसी लड़की को तू जानता है? मैं उस टाइप की लड़कियों को जानता हूँ, तू टेंशन मत ले। टू केस, यू नो दैट्स व्हाई। एक्चुअली हम एक प्रॉब्लम में है यार, अगर तुम्हारी मदद मिल जाए तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहले ही हमने पांडिचेरी जाके और फार्म हाउसेस में जाके कितने पैसे खर्च किए हैं, उन मीटिंग्स के कितने पैसे बैलेंस हैं, इस पर आप विश्वास मत कीजिए सर। टैक्सी के पैसे भी मैंने ही भरे हैं। ये तो जीएसटी भी मांग रही है, लगता है अपना अकाउंट ऑडिट करवाती है। इसको देने के लिए बिल कहाँ से लाए हम लोग? ये दो क्यों रखा? लवर बनने का नाटक करके मैं किसी को धोखा नहीं दूंगी। लेकिन मुझे तो धोखा दिया था ना, ऐसे करिए जैसे इसमें कुछ नया। मैं तेरी फ्रेंड थी और अब मैं किसी की वाइफ भी हूँ। अच्छा ठीक है, मैं एक बार उनसे पूछती हूँ फिर बताती हूँ। अरे तो फोन करके बात कर लो ना उनसे। अभी फोन क्यों करूँ उनको, वो सुन रहे हैं ना। कौन है? वही। कौन है ये? यही तो मेरे हस्बैंड है। सर, आपकी लवर मेरी वाइफ बन सकती है, लेकिन मेरी वाइफ आपकी लवर नहीं बन सकती है। इसकी लवर बन सकती है क्या? चलो तो। अरे ये तो जा रही है। इसके लिए एक दिन का नाटक कर सकती है क्या? अरे सुनो तो सही, अरे सुनो तो सही भैया। हे मीटू से बात करें, तेरा मीट बना देगी। नहीं, मेरे और उसके बीच में जमता नहीं है। मैं बात करूंगा तो बात करके देखते हैं ना यार। देखते हैं नहीं, तू देखेगा। हाँ। प्लीज यार। क्या कहा? लवर का नाटक करना है, वो भी कान्हा के लिए? हाँ। चांस ही नहीं है। लेकिन तुम ऐसा रिएक्शन क्यों दे रही हो? आदे, उसमें कोई कमी है क्या? उसके लिए नहीं पूछ रहा हूँ, अपने प्रोजेक्ट के लिए पूछ रहा हूँ। प्रोजेक्ट के लिए? पर मैं कैसे विश्वास कर लूँ? अरे मैं तुम्हारी कसम खा के बोल रहा हूँ, इसके घर वाले शादी के लिए टॉर्चर कर रहे हैं इसे। प्लीज छोटी सी मदद करनी है तुम्हें, तुम्हें बस एक दिन के लिए इसका लवर बनना है, किसी तरह से इसकी सगाई रुक जाए जिससे हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके। ठीक है। हाँ। तुम पर्सनली प्रोजेक्ट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, इस वजह से मैं हेल्प कर सकती हूँ। हाँ कह दिया भाई, अब तो खुश है ना? बहुत अच्छे। अच्छा मेरा पेमेंट क्या है? पेमेंट? हाँ। क्या करूँ, कितना पेमेंट लोगी तुम? एक दिन की छुट्टी करनी है, शहर से बाहर जाना है कह रहे हो, तो एक दिन की सैलरी ट्रिपल कर दो। ओके ओके ठीक है। अच्छा लवर बनने का नाटक कर रही हूँ तो एडवांटेज मत उठाना। पता है वो कौन है? वो सनी लियोन को भी सॉरी बोल देता है। एक और कंडीशन है। क्या? मेरी सेफ्टी मेरे लिए बहुत जरूरी है। वो सब हम खरीद लेंगे, सॉरी देख लेंगे। हाँ देख लेंगे। दीदी सब कुछ रेडी कर दिया है। हाँ हाँ हो गया। ए, इसमें पूरा हाँ, हाँ, ठीक है। दीदी ये सब जल्दी से करो, कान्हा आता ही होगा। गुड्डी सुनो इसे अंदर रख दो। हाँ ठीक है। सुनिए भैया आ गए। अरे कान्हा हो गया। भांजा आ गया मेरा। अरे वाह वाह। भांजे, ये लड़की कौन है? सब लोग मुझे माफ कर दो, इस लड़की का नाम है गायत्री। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। मैं इस लड़की से सीरियसली प्यार करता हूँ और इसी से शादी करने का फैसला किया है। ये तो क्या बोल रहा है? हम लोग लड़की को देखने के बाद सगाई की तारीख तय करने जा रहे हैं, तू इस लड़की को यहाँ पर लाकर प्यार की बात कर रहा है? अरे उस परिवार को हम क्या जवाब देंगे, हमें तो तू बदनाम कर देगा। तू इस परिवार का लाडला बेटा, इसलिए तुझे लोग सर पे बैठा के रखे, ये गलत है क्या? और इस पूरे समाज में लोग हमारे परिवार पे थूकेंगे नहीं क्या? क्या साले साहब, इस घर में रहने वाले मर्द औरत और दामाद भी
घर के बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं उनकी बात का पालन करते हैं, लेकिन तुमने खुद फैसला लेकर इस परिवार की पूरी इज्जत हवा में उड़ा दी। जाओ भांजी। कई सालों से इसे बड़ा कर रहा हूँ, किस लिए? बाल कटवाने के लिए पैसे नहीं है क्या? हम सब मिलकर जिस लड़की को तुम्हारे लिए पसंद करेंगे उससे तुम्हारी शादी होगी, और उसके बाद मैंने जो कसम ली है वो पूरी होगी। इस उम्मीद में मैं जी रहा हूँ। तुमने सबकी उम्मीदों में पानी फेर दिया। काना देख बेटा, तेरा बाप कोई बहुत बड़ा राजनेता या कोई जमींदार नहीं है। इस गांव के लोगों को जो इज्जत नहीं मिलती वो तेरे बाप को मिलती है। लोग कहते हैं कि शिवकुमार के परिवार के जैसा जीना चाहिए। हम अपने परिवार की औरतों को बहुत इज्जत देते हैं। तेरे लिए हम कई जगह लड़की देखने गए, तुम भी तो साथ में थे, तब तुमने अपना मुंह क्यों नहीं खोला? और अब एक लड़की को लेकर आते हो और कहते हो कि मैं इससे प्यार करता हूँ, क्या मतलब है इसका? वो कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, जवाब दो उनको। अरे यार ये भी ना, अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं बोलता क्या? हाँ, इतने दिनों तक क्यों नहीं बताया, यही ना बताता हूँ। हम दोनों में कुछ ही दिन पहले प्यार हुआ है। ये एक अनाथ लड़की है, इसके माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है। मेरे घर पर आओ, मेरे परिवार वाले तुम्हें अपना समझकर अपना लेंगे, ये कहकर इसे लिया है। और आते ही आप लोग, ये मेरे मामा हैं, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरी भाभी है। मैंने सोचा था इस तरह मैं बताऊंगा, लेकिन हम जो सोचते हैं जिंदगी में कहाँ ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद नहीं तो हम जाते हैं। चलो इनका मूड बदलने से पहले निकलो यहाँ से। देवर जी एक मिनट रुकिए। अरे कौन है? हर लड़की अपने मायके से बहुत सारी उम्मीदें लेकर आती है, ससुराल आने से पहले बहुत सारे सपने सजोती है। भगवान की कृपा से इस घर में बहुओं को आज तक सब कुछ मिला है। अरे सत्यानाश, उसी तरह के सपने और उम्मीदें लेकर गायत्री भी हमारे इस घर में आई होगी। भगवान के लिए उसकी उम्मीदों को तोड़ना मत। इस घर की बड़ी बहू होने के नाते कह रही हूँ मैं, गायत्री इस घर की बहू है। पूरा प्लान चौपट कर दिया। काना की शादी करवा देना ही हम सब की इच्छा है, और देखिए वो खुद अपने पसंद की लड़की ले आया है। इसमें नाराज होके क्या मिलेगा माँ, इसीलिए कह रही हूँ हम सब मिलके गायत्री को अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। गायत्री, अब से ये मत सोचना कि तुम्हारा कोई नहीं है। आज के बाद मैं तुम्हारी सासू माँ हूँ, ये तुम्हारे ससुर जी हैं। यहाँ पर रहने वाले सभी लोग तुम्हारे भैया भाभी दीदी अंकल होंगे। काना हमारे घर का लाडला बेटा है, इसी तरह तुम भी लाडली बहू बन जाओगी। बिल्कुल सही कहा, सासू माँ ने बोल दिया मतलब हम सब ने हाँ कह दिया है। सुनिए जी, मैं सही कह रही हूँ ना? अब मैं क्या बोल सकता हूँ, पूरा परिवार एक साथ मिल गया है। इस घर की कुल देवी मेरी बीवी है, जब उसने हाँ कह दिया तो भला मैं कैसे ना कहूँ। काना अब बहुत जल्द तुम दोनों की शादी होगी। मैंने जहाँ रिश्ते की बात की थी संभाल लूंगा, ठीक है ना? चलो आ जाओ बेटी, आ जा काना। चलो, तेरी मीटर कन्फर्म। तुम्हारे जन्मदिन पर हमारे पूरे परिवार की तरफ से ये छोटा सा तोहफा। खोल कर देखो बेटी। बेटी, तुम्हारी शादी की पत्रिका आए 3 दिन हो गए हैं। आज तुम्हारा जन्मदिन है ये काना ने बताया, इसीलिए इस अच्छे दिन पर इसे हम तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं। गायत्री, ये कभी मत सोचना कि तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं और तुम अनाथ हो। आज से हम दोनों ही तुम्हारे माँ बाप हैं। लड़की जन्म लेती है तो पुण्य मिलता है, हम सब ऐसा ही सोचते हैं। तुम किसी बात की चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? मुझे अभी अभी पता चला है, मैं देख लेता हूँ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। मेरा साला जवान हो गया। साले साहब, दूध 50-60 लीटर लेना है, पैसे दीजिए।
पैसे मैं हाथ में नहीं दे सकता हूँ, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है, अब आप जाओ मिल जाएगा। ये क्या है साले साहब, आप घर के दामाद पर विश्वास नहीं करके ऑनलाइन पे विश्वास कर रहे हैं क्या? ये ए जीजा, पैसों को हवा में भेजेंगे, हाथ में नहीं देंगे। अपनी दीदी को भी ऑनलाइन भेज कर शादी करवानी चाहिए थी ना, मुझे क्यों घोड़े पर बिठाया? अरे शांति से जाओ जीजा जी। क्या अरे तुम लोग पैसे के ऊपर विश्वास करते हो, इंसान के ऊपर विश्वास नहीं करते। ये नारियल पानी में पूरा नमक है, किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी है। गाँव में किसी ने भी अपनी बेटी उस घर में नहीं दी है, लेकिन अपने दामाद जी ने एक लड़की को घर पर लाकर रखा है। किसी भी तरह ये शादी नहीं होनी चाहिए। उसे मंदिर में खत्म कर दूं क्या? अरे चुप रहिए, आज नहीं तो कल वो हमारे घर का दामाद होगा। ठीक है ठीक है, उनको अच्छी तरह मारो, सूझना नहीं चाहिए, मारो, चोट नहीं लगनी चाहिए, काटो। भाई खून नहीं आना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? ए मारेगा या गले लगेगा तो भी हमें कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहिए, वरना वो हमें ही झेलना पड़ेगा। ऐसा कोई आदमी है तो बता। सुनिए, कोयम्बतूर में मेरा एक भाई है। कहाँ है? अभी तो वो जेल में है। जेल में है क्या? जाओ तुम। भैया कोयम्बतूर में अपने सब लड़के हैं, उन्हें उंगली काटने को बोलो तो सर ही काट देते हैं। क्यों, वो लोग बहरे हैं क्या? वो खतरनाक इंसान है, ऐसा बोल रहे हैं भैया। उन्हें कहेंगे तो वो काम बहुत बढ़िया से करेंगे। अगर वो खतरनाक है तो बेवकूफ भी हो सकते हैं, लेकिन हमने जो काम दिया है उसे सही से करना चाहिए। उसे तुरंत बुला लो। काना की शादी को लेकर मैंने इस मंदिर में मन्नत मांगी थी। कहाँ से आ रहे हो बेटा, क्यों देर हो गई तुम्हें? ठीक है, भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करो। पूजा का सामान सब बराबर लेकर आए हो ना? कौन है वो? मेरा फ्रेंड है माँ, इससे मिलकर आता हूँ। कैसे हो भाई? नमस्कार। नमस्ते, ठीक है ना? सब ठीक है। हाँ वही तो। शादी के तुरंत बाद पूजा करनी होगी। अरे नाचो रे, बजाओ, ए जोर से बजा। चलो ना इस तरफ चलते हैं, आओ मेरे साथ, चलो ना। पूजा खत्म होने तक कहीं नहीं जाओगे, जाकर देखो उससे। हाँ देखती हूँ। हाँ। देख रहे हैं कैसे शेर की तरह आ रहा है। नहीं,
अरे डर क्यों रहे हो? विभूति है, आपके नाम से पूजा करके लाया हूँ ताकि भगवान आपको सद्बुद्धि दे। ये लो सबको लगा दो। वैसे आपको भी हमने घर का एक सदस्य माना था। मुझ पर प्यार रखो ना रखो, दुश्मनी तो मत निकालो। बदले की भावना इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्मों तक नहीं मिटा पाएंगे हम। देखिए, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, चलता हूं। नमस्ते भाई। वो बस मिस हो गई थी इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई भाई। इन लोगों ने कहा था किसी को टपकाना है, आप बस बोलो, आपका काम मैं कर दूंगा। देखो दो लोग खड़े हैं ना, तेरी तो बोलता है मिस कर दिया। अरे नालायक, मेरे ही पल्ले पड़े हैं, कोई किसी काम का नहीं है। कान्हा क्या चल रहा है ये सब? एक दिन कहकर मुझे यहाँ लाए थे, अपनी जुबान पर कायम नहीं रह सकते। देखो मैं अभी भी कह रही हूँ, पैसों के लिए मैंने सिर्फ तुम्हारी प्रेमिका बनने का नाटक किया था, समझ गए ना? मैं ये सब सोच भी नहीं सकती हूँ। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, मुझे अपने प्रोजेक्ट को राइट टाइम पर खत्म करना है, दिमाग पूरी तरह उसी में लगा है। पहले भी बहुत सी लड़कियां देख चुका हूँ, कुछ नहीं हुआ, कहीं बात नहीं बनी। अब अगर हम अपने बारे में सच बताएंगे तो मेरे माता पिता परिवार वालों का दिल टूट जाएगा। बस थोड़े दिन शांत रहो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। देखो तुम्हारे परिवार के लोगों ने हमारी शादी की डेट फिक्स करके तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अगर हम ऐसे ही इंतजार करते रहे ना तो दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे, बता देती हूँ। अरे मूर्खों, तुम दोनों लवर्स नहीं हो क्या? पूरे परिवार को तुम लोग बेवकूफ बना रहे थे। ये बात नीलम्बा को पता चली तो क्या होगा पता है ना? इस पेन ड्राइव में है साहब जी। गायत्री, मेरा देवर तुम्हें पति के रूप में मिल रहा है, बहुत लकी हो तुम। ये शादी हो जाने के बाद गांव वाले बहुत खुशी से झूमेंगे, तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे सब। ए रुको रे, ये हो क्या रहा है? सुबह होते ही तुम लोग हमारे घर के सामने खड़े हो जाते हो, बिन बुलाए मेहमान को हम बेइज्जत करते हैं। वुँ वुँ वुँ। सही किया। ए रुक, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। ए सैंडी, क्या हुआ? कुछ तो बोला था ना तुमने, हीरे को लेकर आया हूँ, चांदी को लेकर आया हूँ। सच है ना? खाल उधेड़ दूंगा तुम लोगों की। तुम लोगों ने क्या नाटक लगा रखा है? तुम्हारी आवाज ना सुनने के लिए घर जायदाद बेचकर जाने की सोची थी मैंने। ये लड़की कौन है जानते भी हो? कौन है ये? इसकी जाति धर्म क्या है पता है क्या? जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है इसका गोत्र क्या है? किसी अनाथ से मेरे दामाद की तुम शादी करवा रहे हो? मैं तुम सबको सच्चाई बताने वाला हूँ, ये दोनों सच्चे लवर्स बिल्कुल नहीं है, ये दोनों झूठा नाटक कर रहे हैं। इतने दिनों से तुम लोगों को बेवकूफ बना रही थी। ए, तेरी बेटी से मैं अपने छोटे भाई की शादी नहीं होने दे रहा हूँ, इसलिए तू यहाँ आकर शादी के माहौल में लफड़ा करना चाहता है क्या? चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना ठीक नहीं होगा। ये क्या है कान्हा? 2 दिन के बाद शादी है और ये आकर क्या बोल रहा है? अब तू चुप क्यों है? कुछ तो बोल। इन्हें क्या पता क्या सच है क्या झूठ है, क्या बताऊं इन्हें? दामाद जी कैसे बताएंगे माँ? इतना गला फाड़ कर मैं चिल्ला रहा हूँ, मुझसे पूछो ना, मैं बताऊंगा, मेरे पास प्रूफ है। आए, चलाओ फिल्म को, पूरे परिवार को देखने दो, डरो मत, पूरा कॉमेडी सीन ही है। कब से बोला तुमको टाइम पे काम करो? तुमसे टाइम पे काम नहीं होता है क्या? कैसे कर रहे हो? ए, ये तो काई पोछे फिल्म है। पैसा मेरे से लेते हो, उल्टा मुझे ही मारते हो। तुम सबको काम से निकाल दूंगा। ए, देख क्या रहे हो? जाओ वहाँ से, पागल कहीं के चले आते कहाँ कहाँ से उठ के। क्यों भाई, भीग के मजा आ रहा है ना? मैं भी भीगाता ऐसे ही। भैया इतनी मस्त कॉमेडी फिल्म में मजा आ गया कसम से। क्या रे, कौन सी फिल्म दिखाने को बोला था? कौन सी फिल्म दिखा रहा है तू? हैं, ये सब क्या है? क्या हुआ भैया, कुछ पता नहीं चला? वो सैंडी वाला देख रहा है। भैया सैंडी वाला छोड़िए, पूरा परिवार हमें घूर कर देख रहा है भैया। तो पेन ड्राइव बदल गया है भैया, मैं ढूंढ कर लाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। ए, इतना सीरियस बात करके कॉमेडी फिल्म दिखा रहा है? तुम कुछ भी कर लो, शादी को रोक नहीं सकते। सुनो नीलम्मा, शादी होते समय दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया जाता है। आसपास के गांव वाले मेरे जीजा जी के परिवार को आदर्श परिवार मानते हैं। तुम जाति धर्म बीच में लाकर विघन डालना चाहते हो? ये नाटक कहीं और जाकर दिखाओ। चुप करना तू, फिल्म बदल गई है तो रुक।
मैं असली फिल्म लेकर आता हूँ। हाँ भाई, तू तो बहुत बड़ा स्टार है ना, जो असली फिल्म लेकर आ जाएगा। ए, दो दिनों बाद यहाँ शादी है, घर से प्लेट लेकर आना और खाना ले जाकर अपने परिवार के साथ खाना, आशीर्वाद देकर जाना। आप लोग काम शुरू करो। ए नीलमा, शादी के बैंड बाजे की आवाज सुनकर गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। शह, अगर हम कुछ प्लान करते तो अच्छा होता। सुबह शादी होने वाली है। ए, कुछ तो सोच। गायत्री तैयार है या नहीं? किसके लिए? हनीमून के लिए। तेरी तो हालात देख के लग रहा है ऐसा ही होने वाला है। वो मासूम लड़की है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। अरे यार, अब सिर्फ 5 घंटे बचे हैं, हमें कुछ न कुछ करना होगा। क्या करोगे तुम लोग? सुबह शादी होने वाली है और तुम दोनों यहाँ खड़े खड़े बकवास कर रहे हो। वही सोच रहे हैं हम लोग। एक काम करो, तुम्हारे मेरे बीच जम नहीं रहा ये कह के झगड़ा करके तुम घर से चली जाओ। हे, क्या बोल रहा है यार तू? मैंने आज तक अपने परिवार वालों को कभी धोखा नहीं दिया। अगर उनसे जाकर कहूंगा ये सब झूठ है, मैंने उन्हें धोखा दिया है, तो उनका दिल टूट जाएगा। गायत्री शादी नहीं करेगी और लेटर लिखकर रूठ कर चली जाएगी तो इससे भी उन्हें तकलीफ तो होगी, पर मैं उन्हें संभाल लूंगा। अब तक बहुत सी लड़कियां देखने के बाद भी मेरा रिश्ता कहीं जमा नहीं, उसी तरह ये शादी भी टूट गई ये सोचकर वो शांत हो जाएंगे। ठीक है, मेरा बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर कर दो, मैं चली जाती हूँ। यहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और इसे पैसे की पड़ी है। ट्रांसफर करो। ए, भेज दो। रोमांस तू करेगा और पैसे मैं भेजू, भेजना। ए, भेज दे, मैं देता हूँ। हाँ, बहुत अच्छे रास्ते पे जा रहा है तू। देखो आया क्या? ओके, थैंक यू। अब इसे लेकर जा, कोई देख ना पाए इस तरह इसे बस में बिठा कर आ जा। हाँ, ये कभी भी वापस आ सकती है। चलो बाय कान्हा। हाँ, मुझे भी आती हुई दिख रही है। हाँ, लाइए मैडम। थैंक यू। ये लो, इसमें पानी का बॉटल है, खाने का सामान है, आराम से खाते पीते जाना। नमस्ते, दोबारा मत आना। बाय बाय। हाँ बाय। अगर इसे कोई मेंटेन करेगा तो उसे अपनी जायदाद बेचनी पड़ जाएगी। शुभम भवतु, मंगलम भवतु। लड़की को लेकर आइए। हे, ये कुछ तो मांग रहा है। क्या हुआ? लड़की को लेकर आइए। अरे लड़की नहीं आएगी, आपने पैसे लिए है ना, मंत्र पढ़ी। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरी, ब्रह्मा मुरारी, स्थिपुरंधकारी, भानु सचिवो मित्रोपदश, गुरु शुक्र संगा केतु, सर्वे ग्रह शांति भवन्तु। स्वामी जी लीजिए। सुन भांजे, जब तू लड़की के गले में मंगलसूत्र बांधेगा तभी तेरा ये मामा अपने बाल कटवाएगा। अगला उम्मीदवार मैं हूँ। भेज दिया, अब तू चुपचाप क्यों बैठा? वो भाग कर गई है, अगर ये सभी को पता चलेगा तो मेरे माता पिता परिवार वालों को बहुत तकलीफ होगी। ये सोचकर मुझे भी तकलीफ हो रही है। मैंने तुझे पहले कहा था ना, सच बोलने से दर्द होता है तो झूठ बोलना सही होता है। ऐसा क्या? हाँ, तुझे नहीं बताया क्या? इसका चेहरा देख के लग रहा है अब ये बोलने वाला है कि मुहूर्त का टाइम हो गया, लड़की लेके आओ। मुहूर्त का टाइम हो गया है, लड़की को लेकर आइए। देखो बोल दिया ना, अब लड़की कहाँ से ले आएंगे? मेरी दीदी की पहली बेटी, जाओ लेकर आओ। सुनो बेटा, टाइम क्या हुआ है? आपने टाइम देख के ही तो मुहूर्त बताया ना, तभी तो वो लोग लड़की लेने गए हैं। मुहूर्त का टाइम होने वाला है, लड़की को जल्दी लेकर आइए। भाई लड़की तो है, लड़की आ जाएगी, तू टेंशन मत ले बेटा, ठीक है? हाँ ठीक है, आएगी तो ना। हाँ, ये लोग लड़की को लेने गए हैं, लड़की होगी तब आएगी ना। अच्छा सुन, हमने जो प्लान किया था उसके हिसाब से सब कुछ चल रहा है ना? अगर वो अचानक से दुल्हन बन के यहाँ आ गई तो तू उससे शादी कर लेगा? मुंह बंद रख अपना, चुप कर, कहीं वो इंसान दोनों लड़कियों को लेकर ना जाए। ठीक है, अगर तू नहीं करेगा तो मैं कर लूंगा। क्या लक्ष्मी, वक्त निकलते वो अभी तक आई क्यों नहीं? क्लाइमेक्स आ गया है, सब लोग सीरियस हो रहे हैं, अपना चेहरा भी सीरियस कर ले भाई, थोड़ा सा और। हाँ ठीक है, कल्याण जाओ, देखो अभी तक होने वाला है, 3 मिनट बचे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जाते हैं, लेकर आते हैं। आजा। हाँ हाँ चलो। लड़की ढूंढने के लिए गए हैं, आगे पता नहीं क्या होगा। तू इतना सीरियस क्यों हो रहा है? मेरे माता पिता के बारे में सोच कर दुख हो रहा है। तुम लोगों ने सारे रूम चेक कर लिए? अरे सुनो, लड़की को लेकर आने के लिए बोला तो तुम लोग आपस में बातें कर रहे हो यहाँ? पंडित जी वहाँ चिल्ला रहे हैं, जल्दी कीजिए, लड़की को बुलाओ। अरे चिल्लाओ मत, गायत्री यहाँ पर नहीं है। गायत्री नहीं है? तुमने वहाँ पर देखा? सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिली। अरे गायत्री वहाँ पर नहीं है। क्या कहा? नहीं है, उधर भी देख लो, उस तरफ होगी। आज चलो देखते हैं। देखते हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं है। ढूंढ ढूंढ के ना तो इस कमरे में है और ना इधर ही है। मुहूर्त निकलता ही जा रहा है, लड़की को लेकर आइए। नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? क्या हुआ बेटा, अभी तक आई नहीं? अगर वो लड़की नहीं आई तो तुम अपनी लड़की लेते आना। समय होता जा रहा है। हाँ,
ये कैसे आ गई? मुझे क्या पता कहां से आ गई यार। मैंने तो इसे बस पे बिठा दिया था यार, लगता है कहीं उतर गई और नहा धो के वापस आ गई। आ जाओ बेटी, जल्दी आओ, मुहूर्त के लिए बस कुछ ही सेकंड्स बचे हैं, जल्दी आओ, बैठ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ। अरे तुम मेरा हाथ कब पकड़ी, तुम आ जाओ। हाँ जी, आ गई। शौक हो गया क्या? सही वक्त पर लेकर आया हूँ। सिर्फ अब कुछ ही सेकंड्स बचे हैं, जल्दी से मंगलसूत्र का गांठ बांध दो। पंडित जी, शादी रीति रिवाज के हिसाब से संपन्न करवाइए। ए, तुम यहाँ क्यों आई? पैसों का सेटलमेंट हो गया था ना, फिर यहाँ आकर क्यों बैठ गए तुम? जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। अरे इतनी देर क्यों हो गई इसे आने में? कान्हा, कल जब तक मुझे बस में बिठाया था तब तक तुम्हारा प्लान था, और अब सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चलेगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ये लीजिए मंगलसूत्र पहनाइए। तुमसे तो मैं शादी करूंगा ही नहीं। जाओ काना, अरे अरे बैठो। बेटा खड़े होकर मंगलसूत्र नहीं बांधते, बैठकर बांधते हैं। बांधो। ओम मंगलम भवतु, मंगलम जी। 9:30 और 11 के बीच का समय बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, इसलिए मेरे हिसाब से हाँ। वही दिन हम लोग चुनते हैं, क्या कहती है? इतना अच्छा माहौल है घर का, आप उदास क्यों हैं? मैं ये सोच रहा था कि फर्स्ट नाइट का दूध कहीं बिल्ली पी लेगी तो हाँ। इस गांव में बहुत बंदर है, कहीं वो सुहाग रात के लिए सजाए हुए फूलों को बिखेर देंगे तो पति पत्नी जिस बेड पे सोए हो वो टूट गया तो। अरे क्यों अशोकन बातें करते हो? कहीं आधी रात को फैन चलना बंद हो गया तो जान से मार दूंगा। हमारी लड़ाई की वजह से फर्स्ट नाइट कैंसिल हुई तो पीट पीट कर मार दूंगा। चल रहा और सासू माँ शांत बैठी हुई है। इस घर के सारे लोग कहाँ हैं? सब लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। कान्हा अपने रूम में नहीं है, यहाँ की हालत के बारे में पता करता हूँ। दीदी कुछ बदलाव दिख रहा है क्या? कुछ दिख नहीं रहा है। जो तुम सोच रही हो उसे भूल जाओ। आज सुबह कान्हा की शादी हुई है ना, हाँ। आज उसकी सुहागरात है ना, हाँ। बेड खाली पड़ा है और वो लड़की अकेली है। कान्हा कहाँ है? कान्हा कहाँ है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कान्हा कहाँ है? हाँ कान्हा, कान्हा यहाँ नहीं है। उसके साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बनाना चाहता है, मारूंगा तुझे। देख भाई, मैं भी उसके ऊपर बहुत गुस्सा हूँ, थोड़ी सी पी लेते उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। शादी हो गई, आज रात उसकी सुहाग रात है, उसकी सुहाग रात होने के बाद मेरा नंबर क्या हुआ है? और ये बीच में ही तका दे गया, मैं तो इसे छोड़ूंगा नहीं। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? पी कर आ रहे हैं, पानी पी कर आ रहे हैं। आज कौन सा दिन है पता है ना आपको? भाभी मैं आ गया ना। ए मामा, हाँ? यहाँ आओ। क्या हुआ? ये तुम अजीब से क्यों दिख रहे हो? बहुत ही टेंशन में हूँ मैं। अरे तुम सर काट कर क्यों घूम रहे हो? सर काट के घूम रहा हूँ? सर को काटने के बाद कोई जिंदा रहेगा क्या? मैंने अपनी पूंछ को काटा है। अरे वो चोटी के बारे में पूछ। तू अपना मुंह बंद। देख सुन, तेरी शादी हो गई ना, मेरा वचन पूरा हो गया, अब मेरी शादी होगी ना? आपकी अभी तक शादी नहीं हुई क्या? नहीं हुई, इसीलिए तो कह रहा हूँ। होगी भी नहीं, एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। बेसिकली आई एम बैचलर यार, गृहस्थी का सुख नहीं मिला। ऐसा है क्या? मैं भी बैचलर हूँ। तू भी बैचलर, मैं भी बैचलर। भांजे की शादी हो गई, आज कौन सा दिन है? आज शादी का दिन है। सुहागरात है यार। मुझे क्या पता, इससे पूछिए ना। क्या रे, सुहागरात वाले दिन तुम लोग मेरे भांजे के साथ क्यों चिपके हो? इसे क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ इसे पता है। क्या करना है, तुम लोगों ने सिखाया? नहीं, क्या? नहीं, इसने बहुत सारे वीडियोस देख के सीख लिया है। अरे इसे ले जाकर अजंता एलोरा की मूर्तियां दिखानी चाहिए थी, वहां से आइडिया मिल जाता है इसको। बहुत बढ़िया आइडिया है, चले यार हम लोग हो गया। अबे तेरी तो रुक जा, सुन ले, मेरे भांजे के आसपास दिखना मत। अब से 60 दिन तक इसके पास तुम लोग आना मत। 60 दिन तक फर्स्ट नाइट है क्या? हर बात का मजाक उड़ाओगे? याद नहीं आ रहा है क्या? चलिए जाकर के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक सब निकालूंगा मैं। चल भांजे आ जा। तू किसी बात की फिक्र मत कर, मैंने ये बोला वो भूल गया। उसने शायद पी रखी है। कहाँ छुपी हो तुम? हाँ वो छुपने वाली ही लड़की है। मेरे साथ तू गेम खेल रही है? हाँ।
उसका भरोसा नहीं, कहीं भी छुप सकती है। वो तेरे हल्ला कर रखे। महाराव, फुल सेटलमेंट करके तुम्हें भेजा था, फिर वापस क्यों मुझसे शादी करने आई? बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। एक धोखेबाज से शादी कर ली मैंने, अब अगर तुम्हारे बारे में कुछ कहूंगा तो मेरे घर वाले मेरा विश्वास ही नहीं करेंगे। ए, सुन रही हो ना? चुप कर बैठी हो, बाहर निकलो। अरे रे, इतनी देर से मैं अकेला ही चिल्ला रहा हूँ, कहाँ गई होगी ये? ये क्या फर्स्ट नाइट पे ये लोग बातें ही कर रहे हैं? तू अंदर कहाँ जा रहा है? चल। नहीं यार, मैंने आज तक फर्स्ट नाइट नहीं देखी ना, तो सोचा कि तुझसे ही कुछ ना कुछ सीख लूं, इसलिए यहाँ आके चुपके देख रहा था। तेरी तो बदमाश कहेंगे। गायत्री यहाँ पर नहीं है। गायत्री यहाँ नहीं है क्या? क्या कहा, गायत्री यहाँ नहीं है? नहीं है। क्या बोल रहे हो तुम लोग? आना, अभी अभी मैंने उसे एक ग्लास दूध के साथ भेजा। अभी तो मैंने भी देखा उसे, थोड़ी देर पहले मैंने देखा था। अरे जाकर ढूंढो उसे। तुझे चिल्लाने की क्या जरूरत थी? अरे भाई, मुझे लगता है वो लापता नहीं हुई है, मंगलसूत्र और गहने लेकर के भाग गई है, इसीलिए वो यहाँ आई थी। फर्स्ट नाइट में तूने लड़की खो दी यार। गायत्री, गायत्री, गायत्री यहाँ पर आई थी क्या? नहीं देखा, इतनी भाग कहाँ जा सकती है, कहाँ गई होगी? गायत्री इस वक्त कहाँ गई होगी लड़की? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देखते उस तरफ, गायत्री उधर देखो, उधर अंदर अंदर कहीं ना कहीं होगी। क्या सोच रहे हो? अरे यार, कहीं ये नीलम भाई तो हमारी गायत्री को उठाकर नहीं ले गया? तुम्हारी बात में दम है, हो सकता है, हमें वहाँ जाकर उसे ढूंढना चाहिए। नीलम्मा, बाहर आओ तुम, मेरी बहू को तुमने कहाँ छुपा कर रखा है? निकालो उसे बाहर। वहाँ देखिए ससुर जी, गायत्री वहाँ है। ये भाई, इतने दिनों से ये सोना चांदी बोल रहा था ना, वो अपनी बेटियों को नहीं तेरी बीवी को बोल रहा था, कितना सोना है यार। अबे लगता है सोने की बारिश हो रही है, घर में ही ज्वेलरी की दुकान खोल के रखी है। ए, हमने जो पहनाया वो सोना काफी नहीं है? नीलम माने इसके गले में और सोना पहनाया हुआ है। करेक्ट। क्या देख रहे हो तुम लोग, ये मेरी बेटी है। शादी का वीडियो देखा मैंने, काना ने जब मंगलसूत्र पहनाया तो उसकी आंखों के आंसुओं को देखा मैंने, वो सच में एक अनाथ है, तभी मैंने फैसला कर लिया ये मेरी बेटी है। ये बहुत कंफ्यूज कर रहा है यार। मेरी बेटी की शादी दामाद जी से हो ये मेरी इच्छा थी, दामाद जी ने जिस लड़की से शादी की मैंने उसे ही बेटी बना लिया। ये पागल हो गया है क्या? तुम्हारे घर में दिया जलाने से लेकर शादी के बाद बच्चा पैदा होने तक जिस चीज की जरूरत होगी मैं कर दूंगा। बोल रहे, आपके लिए 5 तोला सोना, 50 एकड़ नारियल की खेती, 2 लॉरी में घर का सामान पहुंच जाएगा, अपने घर पर 2 दिया जलाना, लड़की को लेकर के 3 हो जाएंगे, गले में नेक्सस का हार, पूरा सेट जो है 6 तोले का है। जीजा जी, ये अभी मैं बोल रहा हूँ, हमारे परिवार की आज जो भी आशाएं थी वो सारी की सारी पूरी हो गई है। बेवकूफ कहीं का। ए भाई, हमारी लड़की के शरीर में छोटी सी भी खरोंच आई ना, 307 क्या है पता है ना? ये तेरे हाई स्कूल के मार्क्स हैं क्या? आप कहो तो इन लोगों को अभी निपटा देता हूँ मैं। ए, रिश्तेदार है हमारे। ए, ये क्या 307 308 बोलकर अपने आप को वकील समझता है? अरे चौथी क्लास फेल बेवकूफ। चुप हो जाओ। सॉरी ससुर जी, मैंने आपको नहीं बोला। नीलम्मा, मुझे नहीं पता था कि तेरा दिल इतना बड़ा है। मेरी बहू को तूने अपने घर की बेटी मान ली, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। अपनी बहू को कैसे रखना है मुझे पता है। आओ बेटी। हाँ हाँ, सब चलो। एक मिनट, मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा। कंफर्म लेकर देख कैसी एक्टिंग कर रही है। तुम्हारे पापा हर किसी पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। मुझे नीलम्मा की चाल लग रही है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। देखते हैं। चलती हूँ पापा। ठीक है बेटी। चलो बेटी। आओ बेटी। गायत्री, तुम इस तरह से कहाँ चली गई थी? पता है हम सब कितना परेशान हो गए थे। दादी, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? ऐसा कुछ नहीं है माँ। तो फिर क्यों हमें छोड़कर चली गई थी? गायत्री, तुम हमारे घर की बहू हो, कान्हा की पत्नी हो, तुम्हें कोई भी तकलीफ हो ये हम सह नहीं पाएंगे। क्या है यार ये, ऐसा लग रहा है जैसे कोई इमोशनल फिल्म चल रही हो।
उन्होंने इसे गोद लेके 5 तोला सोना दे दिया। ये लोग कैसे हैं यार, एक के बाद एक नया इमोशनल ड्रामा हो रहा है यहाँ पे। भाई मैं इसे तुझसे अलग कर सकता हूँ, लेकिन तेरे परिवार से तो कतई अलग नहीं कर सकता हूँ। बहुत बड़ा प्लान बना के ये यहाँ आई है, लेकिन ये अन्याय हमसे सहा नहीं जाएगा। अब हम लोग अपने गाँव जा रहे हैं, चलता हूँ। अरे सुनो भाई, इस टेंशन में प्रोजेक्ट को मत भूल जाना, जल्दी से आने का प्लान बना लो। ए, तूने क्या प्लान सोच कर रखा है? तुझे गांव भेज रहा था तो वापस आकर मुझसे शादी कर ली, अब मेरी जायदाद हड़पना चाहती है क्या? इतना काफी नहीं था तो नीलम्मा का सोना भी? बेवकूफ, मेरे पापा के बारे में कुछ मत कहना। क्या, तेरा बाप? देख तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चिल्ला क्यों रहे हो? तुमने जो काम किया है वो तुम्हारे परिवार वालों को बता दूं क्या? चुपचाप सो जाओ। क्या मतलब सो जाओ? हाँ, मुझे सुलाकर गहने लेकर भागने का प्लान है तुम्हारा, पर मैं वैसा होने नहीं दूंगा, कुछ नहीं होगा। मैं पूरी रात यहाँ बैठा हूँ, देखता हूँ तुम कैसे भागती हो। हाँ, जागना है तो जागते रहो, मैं जाकर सो रही हूँ। गुड नाइट। सोना मत, सोने मत जाना, तू सोना वही है। हाँ, जाके रहना, सोना मत। ये कहाँ चली गई? चाचा जी, सोना भी गायब। चाचा जी, दरवाजे खोलिए। चाचा जी, चाचा जी, क्या हुआ? चाचा जी, मामा को पुलिस वाले पकड़ कर ले गए हैं। क्या, पापा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया? क्या, वो तुम्हारा बाप है? नहीं दादाजी। शादी करके दरवाजा बंद करके कबड्डी खेलने का सपना था मेरा, जेल के अंदर मुझे धो डाला उन लोगों ने, इतना जोर जोर से मारा कि मेरी सारी जवानी की गर्मी उतार दी। ऐसी गलती क्या कर दी मैंने? अरे भाई देखो इसकी क्या हालत हो गई है। अब देखो ये लोग। अरे भाई सुनो, वो मर जाएगा, हम ये बदनामी नहीं झेल सकते। थाने में चढ़ी में बिठाएंगे तो बाहर आकर कैसे जिंदा रहेगा वो? चीची, वो जहर पी के मरेगा। अरे मैं इनोसेंट हूँ यार। अरे यार उसे देख कर हिम्मत वाला इंसान नहीं लग रहा है। अरे सुनना, जिस तालाब में हम नहाने जाते हैं उसमें गिरकर मरेगा तू। मेरे मरने से ये लोग क्यों खुश हो रहे हैं? यानी कि अब ये पक्का हो गया कि ये तो मर ही जाएगा। इसे कहते हैं शब्दों से मारना। साहब, जो धुलाई हुई है उसकी वजह से मेरी बॉडी बहुत दर्द कर रही है, मैं थोड़ा पसर लेता हूँ। क्या क्यों सो रहे हो, पागल हो गए हो क्या? एक बूंद खून भी नहीं निकला, छोटी सी खरोंच भी नहीं आई, लेकिन पूरी बॉडी अंदर से ढोल का पोल हो गई है। थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता हूँ, गुस्से को थोड़ा कम करता हूँ। सर, आपने उठने को कहा, मैं उठ गया। अब मैं सवाल करूंगा, उसका जवाब आप देंगे। हाँ बोलो। मुझे पुलिस स्टेशन में क्यों लेकर आए? कत्ल का आरोप है तुम पर। कत्ल करने के बाद पुलिस अरेस्ट करती है, मुझे पता है, लेकिन मुझे क्यों अरेस्ट किया गया? तुमने कत्ल किया इसलिए? फिर मेरा जजमेंट सही है? कौन सा जजमेंट? गलत इंसान को धोने में आप लोग एक्सपर्ट हो। क्यों सर, ये कौन है? काजल अग्रवाल के बड़े भाई जैसे दिख रहे हैं, कौन है ये? इसी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है। क्या सर, इनका चेहरा कैसा है, मेरा चेहरा कैसा है, हम दोनों का क्या संबंध है सर? अरे किस संबंध की बात कर रहे हो यार? इंस्पेक्टर, एक आरोपी ऐसे बात कर रहा है। अग्रवाल, दीपक अग्रवाल। अरे धीरे दबाओ भाई, पहले से ही पोलो पोलो है। आई स्मैक, बैड स्मैक। 4 महीने पहले तू अपने भांजे के लिए नायकर पट्टी लड़की देखने आया था ना? हाँ। 40 लोग आए थे, उनका इंट्रोडक्शन सुन सुन करके मेरी दादी इस दुनिया से चली गई थी ना? ये कौन से रिश्ते की बात कर रहे हैं? हाँ। दादी, ये तो सही है कि मैं 40 लोगों को आपके घर लेकर आया था, पर उन लोगों में से सिर्फ मैं ही आपकी दादी के मौत का जिम्मेदार हूँ, कैसे सोच लिया? अमेरिकन ब्रेन, बहुत ही शार्प ब्रेन है आपका। आई हैव एविडेंस मैन। ये तुम्हारी शर्ट है ना? हाँ है तो। बैड स्मेल, यू कीप इट। भाई आप किस शहर में रहते हैं? वॉशिंगटन DC, पड़ोस में ही रहता हूँ मैं। मर्डर होने के बाद लोग क्या क्या ढूंढ कर निकालते हैं, एक शर्ट और शर्ट की स्मेल के जरिए तुमने मुझे ढूंढ निकाला। व्हाट अ डॉग ब्रेन। थैंक यू। पापा, पापा, बेटी। हेलो, तुम लोग मेरे पापा को यहाँ क्यों लेकर आए हो?
इन्हें अरेस्ट क्यों किया इंस्पेक्टर साहब? इन्होंने कत्ल किया है। क्या सर, ये मुर्गी को मारते हुए कांपते हैं, ये किसी का कत्ल कैसे कर सकते हैं? मुझे बचा ले भांजे। बेटी, मेरी दादी, मेरी ग्रैंड मॉम ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मैं उन्हें कितना प्यार करता था, लेकिन इस कमीने की वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है। 40 लोग आए, उनको नमस्ते कर करके मेरी दादी चली गई। भांजे, यही बात इन्होंने अभी दूसरे तरीके से बोला था। मुझे आज ही लौटना है, मेरे पास टाइम नहीं, इसे अरेस्ट करिए। ओके। क्या कर रहे हैं आप? अगर हम नहीं भी जाते तब भी तुम्हारी दादी अगले दिन निकल लेती, और 4 महीने बाद अब कंप्लेन लिखाने का क्या मतलब है? हेलो मिस्टर, मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जब टाइम मिला आया, कंप्लेन लिखवाई और इसे अंदर करवा दिया। हेलो, ऐसे केस के लिए आप किसी को भी अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? आपको जो भी बात करना बड़े साहब से कीजिए। कुछ उल्टा सुल्टा बोलना मत, इन्हें और मार पड़ेगी। सुन दावड़े, उसको छोड़ दे। है क्या साहब, इतना धोने के बाद घर भेजने को कह रहे हो? अरे मत उठाओ, मैं उठाता हूँ ना। कितना मारा, लाइए मुझे दीजिए। मैंने कहा था ना, कल्याण सही सलामत बाहर आ जाएगा। तेरे सर की कसम खाता हूँ, मैंने ऐसा ही कहा था। आप ये से लंगड़ा कर क्यों चल रहे हैं? हाँ, सबको बताइए। बेटी, इनको मर्डर केस से रिलीज कर दिया गया है, वहाँ क्या बोला तुमने? मैंने सच बताया। अच्छा किया। थैंक यू बेटी। चलो चलो, क्या कर रहे हैं पापा? चलो आ जाओ, चलिए चलिए। अच्छी बात है, गेटअप पे बहुत सुंदर लग रहे हैं आप। चलिए चलिए। हे फ्रॉड, अभी तुमने क्यों उनको पापा कहकर बुलाया? ये तुम्हारे रिश्ते में क्या लगते हैं? मामा। तो फिर तुम्हारे मामा है तो मेरे पापा लगेंगे ना? बेवकूफ। तो खुद बेवकूफ है। काना, रिवाज है कि मंगलसूत्र निकाल कर चेन में डाला जाए। मैंने फैसला किया है कि ये फंक्शन शादी से बढ़कर होगा। बेटा, अब तुम शाम में बाहर जाने का कोई भी काम मत रखना, चाहे ऑफिस का काम हो, ये हो, वो हो, कोई भी काम हो, तुम्हें उन सबसे दूर ही रहना है अभी, जब तक ये फंक्शन अच्छे से ना हो जाए। फोन करके किसी को नहीं बुलाना है, उनके घर जाकर बुलाना है। बेटा, हम उन्हें इज्जत देंगे तो लोग फंक्शन में अच्छे से आएंगे। अरे काना, काना, ए, ए। तुमसे ये छूने के लिए किसने कहा? प्रोजेक्ट के लिए पढ़ाई करनी थी। हेलो, प्रोजेक्ट फाइल को किसी ने एक्सेस करने की ट्राई की। क्या बोल रहा है यार तू? मेन अलर्ट आया। हे, वो एक्सेस सिर्फ तुझे और सीए को पता है, कोई और कैसे कर सकता है? तेरे लैपटॉप पे कोई नया ऐप ओपन हुआ है क्या? देख जरा। अभी देखता हूँ। हाँ यार, यार ये प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है तो इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? यार मैं मानता हूँ तेरी फैमिली इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। मेहरबानी करके केयरफुल हो जाए यार। ठीक है दोस्त, तुमने क्या किया था इसमें? एक मेल ऐप से वीओ करके मैसेज आते ही जा रहा था, इसीलिए मैंने यस कर दिया। यस बोलेगा तो तुरंत ही तुम दे दोगी क्या? बोलो ना, थप्पड़ दूं क्या? तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए चाचा एक नया लैपटॉप लाकर देंगे, ठीक है? मेरे लैपटॉप को छूना मत। जस्ट ओके, टेक इट। चीयर्स बस। ए हाय रॉनी। सर, प्रोजेक्ट फाइल को हमने हैक कर लिया है, लास्ट मिनट में उन्हें पता चल गया, इसलिए उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया सर। उसके बाद हमने बहुत बार ट्राई किया लेकिन हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं सर। ज्यादा रिस्क लेंगे तो वो लोग हमें फाइंड आउट कर सकते हैं सर, मुश्किल हो जाएगी। छे, I'm really sorry सर। ओह डैम इट, ये कैसे हो सकता है मैन? कहीं तो कुछ गलत हो रहा है। कैसे, हम किसी कीमत पे शांत नहीं रह सकते। एक समय ऐसा था कि मैं बहुत खुश था, जिस दिन से तुम दोनों को देखा ना, उसी दिन से शनि सवार हो गया। हेलो, सॉरी, मरने से पहले तुम्हारा चेहरा देखने की हिम्मत नहीं है। तुम्हारा बाप अपने प्यार को कभी स्वीकार नहीं करेगा, इससे तो यही अच्छा है कि हम लोग मर ही जाए। क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। क्या फैसला किया है? मरने का। क्या कहा? लड़कों ने तुम्हें जहर दिया क्या? हाँ, कुछ लाकर दिया। हाँ, तो है। मेरे साथ मरने में तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, मैं भी तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ।
अगर आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो मैं अकेले रहकर क्या करूंगी? आर यू रेडी? जी। ठीक है, बटन ले लो। वन 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 वन, टू 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 टू, थ्री 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 थ्री। भैंसों के अंदर जितना प्यार है उतना प्यार इन लोगों में नहीं है। तुम्हारे लिए नहीं था, तुम पियो। बड़ा आया प्यार की बात कर रहा है, ऐसा बोला जैसे लैला मजनू वाला प्यार हो। पी लिया। मैंने भी पी लिया। चलो अब फोन रखता हूँ। ठीक है जी। ए, जहर पीने के बाद कितना टाइम लग जाएगा मरने के लिए? 20 मिनट में आपका लीवर फट जाएगा बॉस। बस चक्कर ये है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्यों रे, मेरे मरने के बाद खेती बाड़ी पे कब्जा करने के बारे में सोच रहा है क्या? पहले ही तूने बहुत कब्जा कर रखा है। अरे ऐसी बात नहीं है बॉस। चलो फिर मैं चलता हूँ, तुम लोग नहीं आओगे क्या? हम बाद में आते हैं। हम बताइए, कोई जाने नहीं आओगे? आप जाओ आराम से, ठीक से जाना। जैसे ये घर पुराना है वैसे इसमें रहने वाले लोग भी पुराने हैं। ए, इधर आ। क्या हुआ बताइए। हेलो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुम लोग ना सही वक्त पे शादी कर लेना। हाँ हाँ हमें पता है। बहुत समझदार हैं ये बच्चे, पूरा अपडेट है। चलो चलते हैं। चलो। अब इन दोनों को ही देख लो, यहाँ बैठ के मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हैं, कैसे है ना? मामा। हाँ। अगर आपने मेरी शादी करवा दी होती ना तो मेरे बच्चे भी इनके साथ खेलते ना। अरे हाँ। जब शादी का समय होगा तो शादी हो जाएगी, अभी जल्दबाजी मत कर, जाके बच्चों के साथ लुका छुपी खेल जा जा। इतनी जलन रखते हैं मुझसे, मेरे चेहरे में कुछ बदलाव नजर आ रहा है क्या? तेरा चेहरा ही नहीं दिख रहा है, चल निकल यहाँ से, काम बहुत है, डिस्टर्ब मत कर। इस चॉकलेट को तुम दोनों बांट के खा लो। इतनी मस्ती है इस घर के लोगों को मेरी कोई कदर ही नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ जो सबके लिए सोचता रहता हूँ। अपने बाप के पास ले ले। भैया मेरी सारी फ्रेंड्स पूछती रहती हैं कि तुम्हारा भैया कौन है, तो चलिए ना हम एक सेल्फी खींचते हैं, उन्हें भेज देती हूँ। आइए। ये क्या, जब देखो तब आपका चेहरा उतरा ही रहता है। स्माइल स्माइल। ये मेरी आखिरी फोटो होगी। हंसी। अच्छा बताओ तुम दोनों किसी से प्यार करती हो क्या? अरे क्या आप भी, हमारी जो फैमिली है उसकी परंपरा कैसी है आप तो जानते ही हैं। प्यार ये कोई घर नहीं है, ओल्ड हाउस है, यहाँ रहोगी तो तुम लोग भी एक दिन बूढ़ी हो जाओगी। किसी के ऊपर विश्वास मत करना, इस गली में कोई भी लड़का घूमते हुए दिखे ना तो उसके साथ जाके मंदिर में शादी कर लो। जाओ जाओ जाओ, अपनी जिंदगी में खुश रहो। कैसी आई है? अरे मेरा साला दिखाई देना भी बंद हो रहा है, उसकी शादी भी हो। अरे देख कर नहीं चल सकता क्या, अंधा हो गया क्या? आंखें ब्लर हुए 10 मिनट हो चुके हैं, इसीलिए पीने के लिए मना करता हूँ। बाकी का बचा हुआ दूध है क्या? क्या मतलब? कल तुम लोगों को मुझे पिलाना पड़ेगा ना। अरे जा जा, तुझे तो बचपन में ही जहर पिलाकर मार देना चाहिए था। अरे क्या हुआ, ऐसे हिलते हुए क्यों चल रहे हो? बस आधे घंटे के बाद सब लोग मेरे सामने हिलते हुए ही नजर आएंगे। जाओ जाओ तुम जाओ, अग्नि नक्षत्र वाली बातें कर रहा है ये। इतना थका हुआ क्यों लग रहा है, सुबह से कुछ खाया नहीं क्या? इस पूरे घर में सिर्फ तुम ही हो जो मुझे सीरियसली लेती हो, और कोई नहीं, इसलिए सच्चाई बताऊंगा तो विश्वास नहीं करोगे। जाओ तो। जाओ। अरे बेटा वो चड्डी निकाल के दे। दादाजी आपके कितने बच्चे हैं? एक है, 3 पैदा होते ही मर गए। हाँ हाँ पता है ना, फिर आपको चड्डी क्यों चाहिए, वो पेपर ही लपेट के बैठ जाओ। ये बुड्ढा भी चटिया गया है, मुँह से बड़ी तो इसकी मूछें हैं। अरे सुनो हाँ? मैंने ये नया सालन बनाया है, जरा टेस्ट करके बताओ कैसा। मैंने जो जहर पिया ना उससे भी खतरनाक सालन है ये। अच्छा इस घर में जो केले जैसा आदमी है वो कहाँ है? कौन? अरे तुम्हारा पति। वो तो अभी ऊपर गए हैं। बस मैं भी आधे घंटे में ऊपर जाने वाला हूँ, ये सालन ले जाके उसके मुंह में डाल दो। अच्छा सुनिए हाँ? मेरे मौत के टाइम पे ना अपना मेकअप थोड़ा कम करके आइएगा, मेरी बात याद रखना, मरने वाले की अंतिम इच्छा। क्या हुआ तुम यहाँ पर? इस घर में कोई भी मेरी बात पे विश्वास नहीं करता, एक तुम ही हो जो विश्वास करते हो मुझ पे। वो तो है। मैं एक सच बताऊं क्या? बोलो ना। मैंने सुबह ही मरने के लिए जहर पिया है, लेकिन लगता है जहर अच्छा नहीं था। जहर पीकर तू यहाँ खड़ा है, हॉस्पिटल जाना चाहिए। तू मुझे बता रहा है, तू अगर यहाँ पर मर गया तो इस परिवार की इज्जत का क्या होगा, कलंक लग जाएगा इन पर। मैं शाम को ही पीता हूँ, अगली पीढ़ी का रोल मॉडल है तू, फुल मॉडल मत बन। धनिया की गोनी के पास एक हाफ रखा हुआ है, जाके पी लीजिए। पागल जाइए। थैंक्स मेरे बेटे, मारने का अच्छा सिला दिया तूने। लोग हैं यहाँ पे, बोल रहा हूँ कि मरने के लिए जहर भी क्या है, लेकिन इन्हें लगता है शराब भी क्या है। शिवकुमार परिवार में से कोई एक तो इधर आओ। मैं क्या? अरे ये लोग ठीक से काम भी नहीं करने देते, परेशान करके रखा हुआ। रुको मैं आता हूं। पोस्टमैन जब लेटर लेके आता ना तो पूरा परिवार जाके लेता है, 10 मिनट में मरने वाला हूँ, इससे अच्छा बात कर लेता हूँ, मैं खुद आके ज्वाइन करता हूँ। अब आप यहाँ आकर इतना क्यों चिल्ला रहे हो? उसे बुलाओ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, किसको बुलाऊं? माया कन्ना।
अरे ये किसको बुला रहा है? बाहर आ, चले जल्दी आ जा। जरा से भी बात होती तो पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा हो जाता है। ए लहंगा पहनने वाली, चल हट। बोलिए नीलम्मा जी। ये क्या, आपने इसे मारा क्यों? कितनी हिम्मत होगी इसके अंदर, मेरी दोनों बेटियों को प्यार किया इसने, इसके ऊपर विश्वास करके उन दोनों ने जहर पी लिया, और सब की वजह यही है। इसे मार कर मैं जमीन में दफना दूंगा। दफनाओ नहीं, निकल कर बाहर आ जाएगा। परिवार में ऐसी कड़ी सजा नहीं मिलती। चुप रहो, सुनो ये जो कह रहे हैं वो सच है। अरे पागल, ये बात सच है इसीलिए आके मार रहे हैं मुझे। जब से मैं इस परिवार में आया हूँ मैंने उन लड़कियों को नहीं देखा, तो तूने कब देखा? मैंने भी नहीं देखा था। इनके घर का रहस्य मुझे कैसे पता चला, ये सोच रहे हो? एक दिन इनके घर का कंपाउंड जम करके अंदर गया, वहाँ उन दोनों लड़कियों को देखा, वो लड़कियाँ मुझे पसंद करने लगी, मुझे भी वो लड़कियाँ पसंद आ गई। शादी के लिए राजी नहीं होंगे इसलिए एक ही टाइम पे हम तीनों ने जहर पी लिया। तूने बदला लेने के लिए ये सब किया है? कान खोल कर सुन ले, मैं अपनी बेटियों की शादी तुझसे नहीं करवाऊंगा। नीलम्मा कैसी बातें कर रहे हैं, जवान बच्चे हैं सब, अगर अब ये दिल दे बैठे तो इनकी शादी क्यों नहीं करवा देते? शादी करना या खुदकुशी करना इन्हें पता नहीं है क्या? साहब जी मैं जो कह रहा हूँ सुनिए, अपनी बेटी मेरे घर भेज दीजिए, मैं सब देखूंगा। तू देखेगा मतलब मैं घर के बाहर बैठूं क्या? तेरी तो लगाओ क्या एक? साहब जी आप हमारी फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ने की आशा बहुत सालों से रखे हैं, अब वो खुद ब खुद जुड़ गया है। मेरे भांजे से शादी करवा दो, बहुत अच्छे से संभाल लेगा वो, प्लीज। ठीक है बेटा, इस घर का कोई और बोलता तो मैं नहीं मानता, लेकिन तुम बोल रहे हो इसलिए मैं मान लेता हूं, क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अपनी बेटियों की शादी मैं इससे करवा देता हूं। थैंक यू ससुर जी। कोई अच्छा सा दिन देकर आप ही मुहूर्त निकलवा दो, आता हूं। चलो चलो मामला जम गया। सुनो भाई। हाँ बोलिए जी। तू इसी पल से नया दूल्हा है, तू घर से बाहर नहीं जाएगा, तू व्हीलर नहीं चलाएगा, घर के अंदर खा खा कर चमकदार हो जाना। यानी कुल मिला के मुझे दूल्हे के जैसा रहना चाहिए, ये बोलना चाह रहे हैं? तू अच्छी कर ले, पहले आपको काम खत्म कर लीजिए। अच्छा सुनो ये रखो, मेरी तरफ से छोटी सी भेंट है, रख लो। बेवकूफ। क्यों भांजे अब तो ठीक हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आज के बाद तुम्हारे प्यार के बीच कोई लफड़ा नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो मैं सब सही कर दूंगा। तुम कितने ग्रेट हो ये मुझसे ज्यादा कौन जानेगा, तभी तो तुम पे मरता हूँ। भाई मरने से मुझे याद आया, सुबह ही मैंने जहर पिया था। कॉमेडी मत कर यार। कॉमेडी? मेरी बात तो कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है, मेरे साथ तो उन लोगों ने भी जहर पिया था, इतनी देर बाद भी जहर का असर नहीं हो रहा है, जाके डॉक्टर से पूछता हूँ। जिसे जो चाहिए मांग कर खा लेना, ठीक है? अरे पहले बच्चों को अच्छे से खिला लो। अरे साहब जी। हाँ राजी, दर्द के मारे बहुत चिल्ला रही है, अब जल्दी आइए। कब हुआ ये? अब बस जल्दी आइए। ठीक है मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, क्या बात है? अपनी राजी के लीवर में दर्द हो रहा है, मामला थोड़ा सीरियस है, मैं जाकर डॉक्टर से मिलता हूँ। आप सब वहाँ जाओ, मैं डॉक्टर को लेकर पहुँचता हूँ। सुनिए कहाँ है आप, जल्दी से गाड़ी निकालिए, जल्दी कीजिए, चलो चलो जल्दी आओ, चलो चलो मैं भी आ रहा हूँ, चलिए चलिए आइए आइए, सब आइए, सब चलिए कर, गाड़ी निकालिए, जल्दी सबको चलना चाहिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे बेटी बेटी, राजी को डिलीवरी पेन हो रहा है और तुम यहाँ बैठकर खाना खा रही हो, चलो जल्दी जल्दी चलो। ये राजी है कौन? राजी कौन है? राजी अपने घर की बड़ी बहू है, राजी अपने लिए सब कुछ है और तुम बोल रही हो कि नहीं पता। अरे चलो जल्दी चलो जल्दी, अरे जल्दी करो, चलो चलो जल्दी चलो। इसे राजी कौन है पता ही नहीं है, दोबारा मत पूछना कि राजी कौन है, समझी? चलो जल्दी, रुकिए मैं भी आ रही हूँ, चलो चलो जल्दी चलो। सुनिए आप इस तरफ से पकड़िए, तुम आगे से पकड़ो। ये राजी कौन है? राजी किसी पशु का नाम तो नहीं है ना? अरे गायत्री इसे पशु वगैरह मत बोलो, ये अपने परिवार की ही सदस्य है। वो देखो वहाँ जो खड़ी है ना, उनका नाम है धनलक्ष्मी और वो मेरी बड़ी दीदी है। वो देखो पद्मा है ना, वो मेरे भाई की बेटी है, और उसी तरह ये भी है, मेरी बड़ी भाभी का नाम राजी रखे हैं, ये अपने परिवार में से ही एक है, समझ गई? बस काना आ गया, काना आ गया, डॉक्टर को लेके काना भी आ गया। आइए डॉक्टर साहब आइए। सिर को जरा अच्छे से पकड़ लेना, ले लेना, तुम जाकर एक बार से पानी ले, तुम जाकर साबुन लगा, जल्दी से ले, तुम मेरा ग्लव से कराओ जल्दी, इसकी पूंछ को थोड़ा सा टेढ़ा करिए, पकड़ो रस्सी अच्छे से पकड़िएगा। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ ठीक है सर।
ठीक कर दीजिए। अरे सुनो, जल्दी से वो लेकर आओ। आराम से, 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 आराम से। गायत्री, गायत्री यहाँ, यहाँ हो बेटा, यहाँ हो। माँ, हमेशा की तरह आप ही इस बच्चे का नामकरण कीजिए। गायत्री बहू के आने के बाद एक नई जिंदगी इस परिवार में आई, इसका नाम गायत्री रख देते हैं। आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, इसकी मुझे खुशी है। अपने परिवार की सभी बहुओं के नाम कोई न कोई जायदाद की है, उसी तरह यहाँ जितनी भी जायदाद है वो सब गायत्री के नाम कर दी जाए, ऐसा तुम्हारे पापा का फैसला है। पूरी जमीन इसके नाम? अगर किसी को कोई परेशानी है तो बोल सकता है। मुझे एक बात बोली। चुप, ठीक है टकलू। माँ, आप और पापा जो भी फैसला लेंगे वो सही होगा, इसमें भला हमें क्या तकलीफ होगी। माँ, गायत्री को घर की बहू बुलाएंगी, उससे तो अच्छा बेटी ही बुलाएं। हाँ माँ, कान्हा तो घर का लाडला बेटा है, उसकी पत्नी को आप सारी जायदाद दे देंगी तो हमें बहुत खुशी होगी। किससे पूछ के तू फैसला कर रही है? ये पूरा तबेला मैं ही देखता हूँ। कैसा बाबा रे तू, तू क्या बोल रही है? अरे वो अपने घर की बहू है, अच्छा बुरा सब हमें ही देखना है ना। अच्छा, अपने साथ फिल्म देखने के लिए बोलू तो चलेगी क्या? लेकिन वो उसकी बीवी है। उसकी बीवी को जो जायदाद लिख रहा हूँ, मेरी बीवी के नाम पे लिखो ना। गाय के चारे तुम लोग खाते हो, तुम्हें जायदाद की क्या जरूरत है? इसमें हम सब की मर्जी क्यों पूछ रही है आप? क्या टीचर, कहाँ दस्तखत करना है हमें बता दीजिए, हम सब कर देंगे। आपके पति को मैं जान से मारूंगा। अच्छा ठीक है, समय खत्म होने से पहले काम खत्म कर लेते हैं। जीजा जी, पहले दस्तखत तो कीजिए। दादा जी, इनकी बात सुनकर दस्तखत मत कीजिएगा, आपके हाथ में कटोरा पकड़ा देंगे ये लोग। ये किसके नाम जायदाद कर रहे हैं? अरे ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हैं? मजा आ गया। कान्हा ये तो क्या कर रहा है? ये क्या बेवकूफ हूँ जैसे काम कर रहे हैं आप लोग? वो मेरी प्रेमिका नहीं है। ये क्या कह रहा है? ये पैसे लेकर मेरी प्रेमिका बनी थी। ये बात शादी के बाद क्यों बता रहे हो? वो तुम्हारी बीवी है, बकवास मत करो। ए, तुम्हारे पैर पर लगी चोट पर दवा लगाने के लिए भी उसने पैसे लिए थे। इसकी नजर बस पैसों पर है, यहाँ जितने दिन रही हर घंटे के हिसाब से मुझसे पैसे लिए हैं। हमारी पूरी जायदाद लूटने के लिए इसने मुझसे शादी करने का नाटक किया था। पैसा पैसा पैसा, पैसा ही इसकी दुनिया है, इसकी जिंदगी है, पैसों के लिए ये कुछ भी कर सकती है। बस बहुत हुआ, अब इसके आगे एक शब्द भी मत कहना। पैसों के लिए गिर जाओ, ऐसी लड़की नहीं हूँ मैं। तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? तुम जिस कंपनी में काम करते हो ना, उस कंपनी के चेयरमैन मेरे पापा हैं। तुमने अपनी जान को खतरे में डालकर इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया था। उसी दिन मेरे पापा का सपना पूरा हो गया। उनके सपने मैंने उनकी आंखों में देखे हैं। Yes. मेरे पापा बहुत खुश थे। You know one thing? अब हमारी कंपनी का स्टेटस और सारे शेयर्स वैल्यू आसमान छू रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को लिंक करने की वजह से ही आज हमारी कंपनी नंबर वन है। नाइस। आई एम ऑन माई वे टू अचीव माई एम। Yes, you are. बचपन से ही मेरी इच्छा थी। इस समय अगर तुम मेरे सपोर्ट में रहोगी तो। सॉरी 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 डैड, ये सब आप ही देख लीजिए, ओके? इतना बड़ा स्टेटस खूब कमा लिया, कितनी भी ऊंचाइयों पर चले जाएं, पर देखा जाए तो तुम और मैं सिर्फ दो ही लोग हैं, हमारे साथ और कोई भी नहीं है। तुम और सिर्फ मैं। तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम्हारी परवरिश में मैंने कोई कमी नहीं रखी। पापा, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन मुझे ये फीलिंग्स कभी भी नहीं आई। सच कहूँ तो मैं आज तक बहुत खुश रही हूँ पापा,
और मेरे खुश रहने की वजह सिर्फ आप हैं, ओके? थैंक यू। हैव फन। ओके। आई बी फाइन। क्या हुआ? कुछ नहीं सर। अरे, हे, क्या कर रहे हो? हे, कैसे चला रहे हो तुम? ये हो क्या रहा? सर, कार कंट्रोल में नहीं है। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो फिर किसके? पता नहीं क्या हो रहा है। स्टॉप द कार, कार रोको। पता नहीं सर, कुछ भी करो पर रोको। पता नहीं सर, कार के ब्रेक फेल हो गए लगता है। ब्रेक को पंप करो। जी सर, कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा। पता नहीं सर, संभव कर लगता है ब्रेक फेल हो गया। अरे कार ब्रेक तो ऑन कर दिए सर। सर ये बहुत चल रही है सर। We are the kings. Really? दुश्मनों ने मेरे पापा का कार एक्सीडेंट करवा के उन्हें मारने का प्लान बनाया था, लेकिन मेरे पापा इस वक्त कोमा में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। अभी भी वो हॉस्पिटल में है। इतना कुछ होने के बाद भी ऐसा महसूस होता है जैसे मैं अनाथ हो गई हूँ। सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता मैं तुम्हें किस तरह हिम्मत दूँ। तुम्हारे लिए माँ, पापा, गुरु, दोस्त, सब कुछ तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा ही है। तुम एक बात जान लो अच्छी तरह से, तुम्हारे पापा का अल्टीमेट ड्रीम प्रोजेक्ट अभी शुरू होकर एक इनिशियल स्टेज पर है। उसे सक्सेसफुली कंप्लीट करना है तो उस जगह पर तुम्हारे पापा को रहना चाहिए, या फिर उनका टैलेंट उस जगह पर किसी रूप में रहना चाहिए, उनके सपने को सच करने वाला चाहिए, या उनके सपने को सपना समझकर छोड़ देंगे पता नहीं। मुझे दूसरी कंपनियों से बहुत कॉन्फिडेंटली विश्वास करके समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। ये जरूर कर दिखाएंगे सर। प्रोजेक्ट हाथ से निकलने ही वाला था, पर तुमने जो कॉन्फिडेंस दिया उस कॉन्फिडेंस से मेरे पापा का सपना पूरा होगा, ये मुझे विश्वास था। तभी मैंने चेयरमैन की पोजीशन संभाल ली। हाँ सही कहा, हम लोग अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। उसके बाद मेरी जान को खतरा होने की वजह से मैं अपनी ही कंपनी में एज एन एम्प्लॉय काम करने लगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तुम्हारी कोशिशों की वजह से एक महीने में ही प्रोजेक्ट खत्म हो गया। उस वक्त तुम्हारी फैमिली की वजह से तुम भी तकलीफों से गुजर रहे थे, और फिर तभी तुमने मुझे अप्रोच किया, इसलिए तुम्हारी लवर बनने के लिए मैं मान गई। मेरे लिए, मेरे पापा के लिए, तुम्हारे परिवार की बदनामी ना हो, इसलिए तुमने शादी रोकने का फैसला कर लिया, और तुम्हारे परिवार का सिर सबके सामने ना झुके इसलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए वापस लौट आई। परिवार क्या होता है ये आज तक नहीं पता था मुझे, यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी मिली। आज के जमाने में ऐसा परिवार भी होता है मुझे पता ही नहीं था। आजकल हर कोई अपने तरीके से जीता है, सर्वाइवल के नाम पर अपने परिवार से दूर भागते हैं, परिवार की खुशियों और उनके सपनों की कोई परवाह नहीं करता। पैसे कमाने के चक्कर में परिवार पीछे छूट जाता है। बीवी बच्चों को अच्छी जिंदगी मिले, उन्हें कोई कमी ना हो, ये सोचकर लोग अपना देश छोड़कर चले जाते हैं। अपनी फैमिली के साथ आराम से बैठकर खुशियों के दो पल भी नहीं बिता पाते हैं। अपने बीवी बच्चों की तो हर कोई परवाह करता है, पर हमें जन्म देने वाले माँ बाप उनकी कोई परवाह नहीं करता। लेकिन आपके घर में पूरा परिवार एक साथ गायत्री मिलकर प्यार से रहता है। आपके घर की गाय के बछड़े को आपने मेरा नाम दिया, मुझे इतना सम्मान दिया, मुझे यही रहना है आप लोगों के साथ। जिनके माँ बाप नहीं होते वो अनाथ नहीं है, मेरे नजरिए में जिन्हें प्यार नहीं मिलता वो अनाथ होते हैं, और इस बात का एहसास मुझे यहाँ आपके घर में आकर हुआ। इस वक्त मेरी चिंता करने वाले यहाँ कितने सारे लोग हैं, मेरा इतना बड़ा परिवार है, ये सोचकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। Ha ha ha!
आज तक मैं अकेली रही हूँ। यहाँ आने के बाद परिवार क्या होता है, उनका प्यार क्या होता है, ये बात समझ पाई। इसलिए तुम्हें भी अपने पति के रूप में स्वीकार किया, तुम्हारे पैसों के लिए नहीं। तुमने मुझे इतना गिरा हुआ इंसान समझा है जी। हटो गायत्री। आपसे मैंने बहुत कुछ छुपाया माँ, मुझे माफ कर दो माँ। हमारे परिवार में ऐसा नहीं होना चाहिए था बेटा। अगर खुशियां घर में लानी है तो गायत्री को वापस इस घर में लाना होगा। चाहे जो कुछ भी हुआ हो, गायत्री तुम्हारी बीवी है, वो मेरी बहू है। उसे किसी भी तरह समझाकर वापस ले आओ बेटा। काना, गायत्री मिली क्या बेटा? ढूंढ रहा हूँ माँ। किसी भी तरह उसे ढूंढ कर लाना। मैं उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा माँ। हम सभी इंतजार कर रहे हैं। माँ, गायत्री तुम्हारी बहू है, गायत्री को साथ लेकर ही आऊंगा। बोलो कौन रॉन्ग साइड था, कौन रॉन्ग साइड था? तुम थे। ज़बान लड़ाता है अमीर, क्या बात कर रहे हो ऐसे? छोड़ूंगा नहीं तुम लोग, ये गलत तरीका है। समझाइए, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चमड़ी उधेड़ दूंगा इसे। बदतमीजी करता है। छोड़ दो सर, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। फैक्ट्री में गड्ढा खोदो, उसे दफनाना है। इयर्स का एक्सपीरियंस, 25 सालों से नंबर वन की पोजीशन, सिर्फ हमारा ही राज था, लेकिन एक रात में तेरे बाप ने सब बर्बाद कर दिया। हम लोगों को क्रॉस करके तो प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करेगी? हाँ, दो जगहों पे हमने अपनी फाइल भेजी है, बाकी जो बचा है वो तेरे पास है।
हम कौन है तुझे पता है? वी आर कॉर्पोरेट क्रिमिनल्स। लेकिन आज तेरा बाप नंबर वन बन चुका है। वो नंबर वन तो बन गया, लेकिन टिक तभी पाएगा जब हम उसे जीने देंगे। चल बता पासवर्ड, बता, चल बता, बता ना। टारगेट 2020। Completed by VCA. Now I call upon VCA's chairman to come upon stage. Thank you.